अब स्टार्ट करो। देखा, तुमने इस नट को बराबर कसा नहीं था। मालिक हो तो ऐसा हो, मालिक मजदूर में यहाँ कोई भेदभाव नहीं। देखो अब तक अपनी वही पुरानी गाड़ी रखे हुए हैं, न उनकी गाड़ी बदली है न उनका स्वभाव। आदमी हो तो ऐसा हो। बताओ हमारे आने पर क्या करना चाहिए तुम सबको? हमें पता है, हमें पता है, हम सबको लाइन में खड़े हो जाना चाहिए, है ना पिताजी? तो हो जाओ लाइन में खड़े। चल पंटे शुरू कर। हाँ हाँ, ये लो। अरे माँ तुम भी आओ ना। तुम क्यों दूर खड़ी हो माँ, तुम्हें भी आना पड़ेगा। चलो। हाँ माँ, तुम नहीं बच सकती। अरे ये क्या कर रही हो बच्चों की तरह? देखो माँ, अगर तुम लाइन में खड़ी नहीं रहोगी तो पिताजी तुम्हें प्रेजेंट नहीं देंगे। चलो चल जा, तू भी जा। देखिए पिताजी, माँ लाइन में खड़ी नहीं हो रही है, इन्हें प्रेजेंट मत दीजिएगा। नहीं बंटू, तुमने हवाई जहाज मांगा था ना? हाँ पिताजी। हाँ ये देखो, ये आया बंगलोर से और सीधा जाएगा दिल्ली। जाओ बिट्टू, तुमने नाचने वाली गुड़िया मांगी थी ना? हाँ हाँ हाँ, ये लो ये लो। टुन्नी, ये तुम्हारे लिए जीप, इस पर बैठ जाओ और सैर कर जाओ। और बेटा मुन्नी, तुमने कौन सा खिलौना मंगवाया था? खिलौना नहीं पिताजी, मैंने तो परियों की कहानी वाली किताब मंगाई थी, जिसमें उड़ने वाला घोड़ा, बोलने वाली मैना और मुन्नी जैसी सुनहरे बालों वाली राजकुमारी। ये लो। थैंक यू पिताजी। और बेटा बिज्जू, तुम्हारे लिए मैं अलार्म घड़ी लाया हूँ, अब देखता हूँ ये तुम्हें जगाती कि तुम उसे सुलाती हो। और ये रहा ट्रांजिस्टर रेडियो। ए, तू कहाँ हाथ बढ़ा रही है? ये तो मेरे लिए लाए हैं पिताजी, है ना पिताजी? कितना अच्छा है, ये ट्रांजिस्टर मुझे चाहिए पिताजी। उस दिन कॉलेज की पिकनिक में ये मेरा ट्रांजिस्टर घुमाए। आ हा हा, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, मैं घुमाई या तू? बस, मैं सब जानता हूँ किसका ट्रांजिस्टर घुमा था, लेकिन काम नहीं बेटा, ये है किरण के।
तू नाराज क्यों हो रही है कामिनी? देख मैं तेरे लिए क्या लाया हूँ, देख देख। ओह कैमरा। अब तो खुश हो ना तुम दोनों? और मेरी सबसे बड़ी बेटी कमला, तेरे पतिदेव की कोई चिट्ठी उठी आई क्या आपके पिताजी? शर्माती क्यों है? देख तेरे लिए मैं चांदी का फ्रेम लाया हूँ। पिताजी दीदी ये फ्रेम लेके क्या करेगी? अरे तुझे नहीं पता, जीजाजी की तस्वीर लगाएगी। और क्या करेगी बेचारी, तकिए के नीचे छुपा छुपा के रखती थी। क्यों तुम को मुझे छुपाती हो? तुम्हारे लिए तुम्हें कुछ नहीं लाया। मुझे कुछ नहीं चाहिए। नहीं तुम आ गए हरीश। हाँ दीदी। देखो ना तुम्हारे आते ही घर कैसा गुलजार हो जाता है, हम सब शुक्रवार के राह देखते रहते हैं। पता दीदी। लेकिन ये तुमने क्या नियम बना रखा है हरीश? आखिर औरों के भी तो फैक्ट्री कारखाने चलते हैं, क्या वो सब ऐसा ही करते हैं? शुक्रवार के शुक्रवार घर आते हो, सोमवार को चले जाते हो, बाकी के 5 दिन तुम फैक्ट्री में ऐसे रहते हो जैसे कि वही तुम्हारा संसार है। क्यों भैया हमारे साथ ये अन्याय क्यों? दीदी हर हफ्ते तुम यही पूछती हो। ये सच है कि हफ्ते में 5 रोज में घर पर नहीं होता हूँ, लेकिन बाकी 2 रोज तो यही होता हूँ। देखा दीदी कैसे चालाकी से बात करते हैं। शनिवार इतवार छुट्टी होती है इसलिए घर पर आते हैं, नहीं तो ये 2 दिन भी अपनी फैक्ट्री को दे देते। इतना काम करोगे तो तुम्हारे स्वास्थ्य का क्या होगा? अब तुम दोनों से पार पड़ना तो अपने बस की बात नहीं। हाँ दीदी हमारे वो भांजे साहब कहाँ है? जग्गू आटा लेने को भेजा था दुकान पर, सो आ ही रहा है अब तक। मामा आ गए मामा। देखो तो भैया अपनी कैसी किस्मत बना के आए हो। नमस्ते मामा जी। नमस्ते। तो ठीक है जग्गू, लेकिन ये क्या हुलिया बना रखा है? ये क्या हो? ये आटा है। आटा? मामा जी वो मैं दुकान से आटा लेकर आ रहा था, मैंने पोर्च में आपकी गाड़ी देखी, गाड़ी देखते ही मुझे अपना प्रेजेंट याद आ गया, तो सारा आटा गिरा दिया। नहीं गिर गया। अच्छा मामा जी मेरा प्रेजेंट दीजिए ना। हाँ हाँ बड़ी करनी करके आया है ना, ऊपर से प्रेजेंट भी दो इनको। ये ला जग्गू। टोपी, जॉकी की टोपी। थैंक यू मामा जी, थैंक यू। माँ 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 ये देखो मामा जी मेरे लिए टोपी लाए। टोपी तो ये क्या, ये कौन है? जरूर शीशे में कुछ खराबी है। हे भगवान ऐसे बुद्धू को जन्म देना मेरे ही भाग में लिखा था। कहता है शीशे में खराबी, बिल्कुल सर्कस का जोकर बना हुआ, किसी काम का नहीं। अंग्रेजी पढ़ाने के लिए अंग्रेज रखा, वो हिंदी सीख गया मगर तुझे अंग्रेजी नहीं आ। कारखाने में गया वहां की कल घिस गई मगर इसे अकल नहीं आई। घर के काम काज में लगाया तो वहां भी सब चौपट करके रखता है, नालायक कहीं का। इतना ना बिगड़ो दीदी, दुनिया में कोई नालायक नहीं होता, हर आदमी किसी न किसी लायक होता है। बेचारा भोला है, मुझे तो जग्गू बड़ा अच्छा लगता है। दुनिया में कोई ऐसा आदमी है भैया जो तुम्हें अच्छा ना लगता हो? अच्छे को सब अच्छे लगते हैं भैया। चलो मुंह हाथ धोकर तैयार हो जा, मैं खास चीज बना रही हूँ तुम्हारे खाने के लिए। अच्छा, क्या माँ? तेरा सर। ये क्या दीदी, सुबह से रसोई घर में लगी हुई हूँ, ना मैं करती। अरे अरे मेरे होते हुए किसी को काम करने की जरूरत नहीं, अभी मेरे हाथ पांव में दम है। और तुम क्या जानो हरीश को क्या अच्छा लगता है? लो तुम्हें कौन समझाए दीदी। अच्छा अच्छा ये ले जाओ गरम गरम। चलो क्या देख रहे हो? देख रहा हूँ
विश्वास नहीं होता। क्या विश्वास नहीं होता? कि तुम 8 बच्चों की माँ हो। चलो सच, आज भी तुम वैसी दिखाई देती हो जैसे शादी के दिन। बस बस, तारीफ के पुल बनना तो कोई तुमसे सीखे। चलो खाना खाओ, खाओ ना। मैं और लेकर आती हूँ, यहाँ खड़ी रहूंगी, तुम नहीं खाओगे। अरे अरे अरे, क्या मतलब वो? ये क्या कर रहे हो? खाता तो मैं रोज ही हूँ, तुम यहाँ रहो। क्या क्या हुआ? माया, ये लो भैया, वो रहने दो, गरम गरम कचौरियाँ। बस दीदी, बस बस बस। देखा, देख लिया ना दीदी ने? क्या देख लिया? चलो तुम खाना खाओ, मैं जाती हूँ। ये क्या बचपना कर रहे हो? तुम यहाँ रहोगे तो हम खाना खाएंगे। अच्छा अच्छा, मैं यहाँ रहती हूँ, चलो तुम खाना खाओ। चलो ये लो पान। ये क्या, हफ्ते में 2 रोज के लिए तो यहाँ आते हैं, और उस पर भी किताब। माया इधर आओ। रुट गए? एक बात पूछो, बुरा तो नहीं मानोगे? तुम अपने कारखाने के पास एक बंगला बना लो, ताकि हम सारे के सारे वहां जाके रह सके। इस तरह तुम्हारा शुक्रवार के शुक्रवार आना और सोमवार को चले जाना हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। माया, और वो जब 5 दिन तुम यहाँ नहीं रहते हो, हमारे लिए 5 युग की तरह बीतते हैं। तुम हमेशा यही कहती हो, कोई बात हो गई? देखो माया, हम सब के सब कितने मजे में है, कितने सुखी हैं, है ना? हर हफ्ते 5 दिन के बाद जब मैं घर लौटता हूँ तो सब के सब मारे खुशी के घर को सर पर उठा लेते हैं। मुझे देखते ही बच्चे फड़क उठते हैं, मुझसे लिपट जाते हैं। अब तुम ही बताओ, अगर हर रोज मैं घर लौटा करूँ तो ये आनंद, ये खुशी, ये हंगामा क्या रोज हो सकता है? मैं जब भी तुमसे ये कहती हूँ तुम हंसकर टाल देते हो, न जाने तुम मेरे मन की बात कब समझोगे। क्या है तुम्हारे मन की बात? मेरा मन चाहता है मैं सदा तुम्हारे साथ रहूं, एक पल के लिए भी तुमसे अलग ना हूं। माया, क्या तुम समझती हो कि मेरा मन ऐसा नहीं चाहता? माया, ये क्या? नहीं नहीं, पगली है। मैं तुमसे कुछ नहीं कहूंगी, तुम जब जी चाहे आओ, जब जी चाहे जाओ, तुम मुझे प्यार करते हो यही मेरे लिए बहुत है। मुझे विश्वास है तुम जो करोगे ठीक करोगे। माया, तुम्हारा इतना कहना है मेरे लिए काफी। मैं बड़ा भाग्यवान हूं जो मैंने तुम्हें पाया। मामा जी, क्या जगह क्या है? वो जो कॉलेज के प्रिंसिपल साहब है ना, ऊंचे लंबे गोरे से, जिन्हें आप जानते हैं? हाँ। वो कल रात खाना खा के आंगन में आराम कर रहे थे। तो क्या हुआ? तो उन्हें पता चला आप शहर में आए, तो आपसे मिलने के लिए पधारे। ओ गधा, कहीं का मुझे डरा दिया। जाओ ना बेटा, मैं आता हूँ। गधा। और कहाँ कहाँ जाना बाकी है रवि? अभी बताता हूँ।
कॉलेज के प्रिंसिपल साहब आए हुए अपने घर पे। अच्छा, शायद पिताजी से मिलने आए होंगे। और उनके साथ कोई और भी आया हुआ है। कौन? जिसे तुम अच्छी तरह जानती हो। वो कौन जिसे मैं अच्छी तरह जानती हूँ? जाके देख। हाय, कैसे ढूंढ रही है उनकी आंखें तुझे। जाके कहूं उनसे कि सर सर, कामिनी को हिस्ट्री में कुछ शंकाएं हैं, वो आपसे कुछ पूछना चाहती है, आप उसे समझा दे। चल हट, देखती नहीं प्रिंसिपल साहब बैठे हुए हैं। अच्छा तो मैं ऐसा करती हूँ कि मैं जाकर प्रिंसिपल साहब को बातों में लगाए रखती हूँ और आपके उनको आपकी सेवा में भेज देती हूँ, फिर आप निश्चिंत होकर उनसे अपनी शंका का निवारण करवा सकती हैं। बस बस बस, शंका निवारण की बच्ची, कब से बैठे हैं वो लोग, तू तो जा उनके पास। जाना। गुड मॉर्निंग प्रिंसिपल साहब। गुड मॉर्निंग प्रोफेसर साहब। गुड मॉर्निंग किरण। क्यों किरण, कैसी हो? बैठो बैठो बेटी। किरण, ये चाय दे दो बेटे। अरे किरण, चाय की क्या जरूरत थी? लीजिए ना। अच्छा, थैंक यू। कल कॉलेज के जलसे के लिए रिहर्सल तुमने अच्छी तरह से कर ली है ना? जी हाँ, रेडी सर। शरीर जरूर है साहब, मगर पढ़ाई लिखाई और खेल कूद में नंबर वन है। नमस्ते प्रिंसिपल साहब। नमस्ते। माफ कीजिए, मैं इन कपड़ों में हूँ, आपको बहुत देर इंतजार तो नहीं करना पड़ा। नहीं, खास नहीं। आप में हमारे कॉलेज के इतिहास के प्रोफेसर मिस्टर रविदत्त, वो जो हमारे स्टेशन मास्टर राम स्वरूप जी है ना? जी हाँ, जी हाँ। उन्हीं के बेटे। नमस्ते जी। बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर। बैठिए बैठिए, कहिए क्या सेवा कर सकता हूँ? जी, कल हमारे कॉलेज में वार्षिक उत्सव है, आपको आना होगा, हम आपको निमंत्रण देने के लिए आए हैं। वो तो ठीक है प्रिंसिपल साहब, लेकिन ये कॉलेज के उत्सव में मैं क्या करूंगा आकर? नहीं, ऐसा नहीं कहना चाहिए आपको, आपने कितनी मदद की है हमारे कॉलेज की, लाखों रुपए दान दे चुके हैं, कम से कम किस तरह हम कॉलेज को चलाते हैं ये देखने के लिए तो आपको आना चाहिए। जब आप जैसे योग्य और विद्वान प्रिंसिपल हो तो मेरे देखने की क्या जरूरत है? फिर भी कम से कम एक बार तो आपको आना ही चाहिए। हमारे कॉलेज के लड़के लड़कियां संगीत और नृत्य का एक बहुत अच्छा प्रोग्राम कर रहे हैं। और खन्ना साहब, कल आपकी बेटी किरण भी तरह तरह के विदेशी और भारतीय नृत्य दिखाने वाली है। अच्छा अच्छा अच्छा, तब तो मुझे जाना ही पड़ेगा, वरना यही तो हम भी चाहते हैं। लेकिन प्रिंसिपल साहब, मेरी दो शर्तें हैं। पहली कि आप मुझे हार नहीं पहनाएंगे, और दूसरी मुझे भाषण देने के लिए नहीं कहेंगे।
तेरी पायल खुल खुल जाए राम, चेड़ करत मुझसे नंद लाल, मोरा अंग अंग बल खाए राम, मोरी पायल खुल खुल जाए राम, मोरी पायल खुल खुल सगम मग मग सग मद म द मग मद नि नि ध नि ध म ध नि स ज नि ज नि ज नि स ग नि स नि ध ग म ध नि स नि ध म ग ग म ध नि स नि स नि स स ग म ध नि स नि ध म ग ग म ध नि स नि स नि स स ग म ध नि स नि ध म ग ग म ध नि स नि स नि स स लाख जतन करो एक न माने लाख जतन करो एक न माने रूप तकत बैया धरत चलिया लाख जतन करो एक न माने रूप तकत बैया धरत चलिया मार मार घन पाए चुनरिया बाहु करूं मैं हाय राम मोरी पायल खुल खुल जाए राम मोरी पायल खुल खुल जाए बधाई हो क्या बिजली की तरह नाच अच्छा थैंक यू बाय 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 ए ए चोटे रख दूं यहाँ और अगर ना रखूं तो मैं चिल्लाऊंगी चिल्लाओ मुझे क्या कोई पूछेगा तो कह दूंगा मेरा दिल खो गया ढूंढ रहा हूँ आज जरा अच्छा क्या गा दिया तो लगे शान दिखाने थैंक यू लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि पिताजी के सामने कैसे जाऊंगा क्यों पिताजी आज जरूर कहेंगे बेटा मोहन जितनी दिलचस्पी तुम नाच गाने में ले रहे हो उतनी ही अपनी पढ़ाई में लो तो अच्छा तो पिताजी को ये भी पता है कि आपकी खोपड़ी खाली है ए, जानती है किससे बात कर रही अपनी क्लास में हमेशा फर्स्ट आता हूँ हाँ हाँ क्यों नहीं आओगे आखिर प्रिंसिपल साहब के बेटे जो ठहरे सारे प्रोफेसर भर भर के मार्क्स तुम ही को देंगे अच्छा जी जरा अपना हाथ तो देना क्यों देना क्या अपना दिल ढूंढोगे मेरे हाथ में हाँ काश मैं हमेशा गाता रहूं बजाता रहूं तुम इसी तरह नाचती रहो थिरकती रहो जवाब नहीं किरण प्रिंसिपल साहब और पिताजी आ रहे हैं वो आ रहे हैं तो हम जा रहे हैं वो आ गए किरण आज तूने कमाल का नाचा है लोग देखते ही रह गए और मैं भी देखते ही रह गया तूने सब सीख कब लिया रे हैं बहुत अच्छा शाबाश कांग्रेचुलेशन थैंक यू सर जीत रहो बेटा बस 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 पिताजी आप इस गाड़ी को पेंशन दे दीजिए बहुत पुरानी हो गई है वाह ये क्या बात हुई तुम्हारी माँ इससे भी ज्यादा पुरानी है तो क्या इन्हें भी पेंशन दे दूँ अरे गधे अब तक तुझे हैंडल लगाना नहीं आया चल हट जा मैं आता हूँ ठहरिए मामा जी आप बैठे रहिए आओ बच्चे लोग धक्का माया इतनी उदास क्यों हो अरे चार दिन बाद तो फिर आ जाएगा शुक्रवार तुमने सुबह से चाय भी नहीं पी चलो चाय पी लो बीबी बीबी
बीप 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 दूर से देख रहा था, पास से देख रहा था, अच्छी तरह देख रहा था और आप ही को देख रहा था। कुसूर तो आपका है जो आप मुझे देखकर नहीं चल रही थी। तुम कोई आदमी हो, रॉन्ग साइड से आकर टक्कर मार दी। अगर सर्कस में भर्ती होने की तैयारी कर रहे हो तो किसी मैदान में जाकर सीखो, सड़क पर क्यों? ऐसों को तो बिना मरम्मत किए कभी नहीं छोड़ना चाहिए। आहा, क्या मरम्मत करोगी तुम बताओ? ये लो। अरे बाप रे, इतनी मुश्किल से चुन चुन कर मैंने ये टमाटर छाटे थे, इसने सबका कुचुम्बर कर दिया। कचुम्बर तो अब मैं तुम्हारा भी बनाऊंगी। ये लो, अंधा कहीं का। बस 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 बस, शांति शांति। ये देखो सफेद झंडी दिखा रहा हूँ, इस कद्दू पर तो दया करो, ये बेचारा अकेला रह गया है, इसे तो घर ले जाने दो, मैं जन्म जन्म तुम्हारा आभारी रहूंगा। अच्छा अब के तो छोड़ देती हूँ, लेकिन आइंदा संभल के रहना। ये लो। अच्छा मजा चखाया स्टेशन मास्टर की लड़की ने। कौन है वो? तुम नहीं जानते? वो अपनी स्टेशन मास्टर की लड़की है। ओ स्टेशन मास्टर की सुपुत्री जी, ओ माई, ओ चंडी माई, ओ साग भाजी विनाशनी, कंद मूल फलों का संहार करने वाली। आज मिली एक लड़की जिसे देख तबीयत फड़की, फूल सा उसका मुखड़ा, हो चांद का जैसे टुकड़ा। टमाटर जैसे गाल, कुछ घुंघराले से बाल, वैसे तो भोली दिखी पर मिर्ची जैसी तीखी। होंठों पे उसके लाली, पर बड़ी ही गुस्से वाली, नैनों के तीर चलाए, दिल ले गई मेरा है। कितना भाग्यवान है तू एक कद्दू, उनकी नाजुक नाजुक पतली पतली उंगलियों ने तुझे छुआ, तुझे फहलाया, तुझे उछाला, तुझे उठाया। नहीं, मैं तेरी भाजी बनने नहीं दूंगा, मेरे प्यार का कद्दू। बाबूजी, ए बाबूजी, जरा ठहरिए, ठहरिए बाबूजी। क्यों भाई, क्या हुआ? आपने मुझसे एक कद्दू खरीदा था ना बाबू, वो मुझे वापस कर दीजिए, मैं आपको दूसरा दूंगा। अरे वारे अकलमन, ये ठीक है मेरे लिए? हाँ देखिए बाबू, सुनिए जरा, ये कद्दू खराब है अंदर से, ऐसे कद्दू को लेकर आप घर जाएंगे तो मेरा नाम मिट्टी में मिल जाएगा, इसीलिए वापिस मांग रहा हूँ। ये लीजिए, ये बहुत अच्छा है। नहीं नहीं, ये गड़बड़ नहीं चाहिए मुझे, ऐसा भाग्य है उसका, ये कितना कीमती है तुम्हें क्या मालूम? क्यों इतनी जिद कर रहे हो बाबू? मैं आपको दो कद्दू देता हूँ, ये वाला वापस कर दीजिए। देखो हम कहते हैं बहस मत करो, चले जाओ यहाँ से। जरा धीरे बाबू, सुनिए, जरा इधर आइए, आइए। हाथ मत लगाओ, आता है क्या? ये कद्दू की कीमत मैं आपको लौटा देता हूँ, और ऊपर से 5 रुपया भी देता हूँ, मगर ये वाला मुझे लौटा दो, मैं आपकी मिन्नत करता हूँ। किसे उल्लू बना रहा है भाई, क्या मैं इतना बुद्धू हूँ जो इसे वापस लौटा दूँ? अरे देते हो कि नहीं बाबू? क्यों नहीं, नहीं दूंगा। अरे क्यों? मैं मार डालूंगा, नहीं दूंगा, नहीं दूंगा। ये क्या झगड़ा हो रहा है सड़क के बीच में? कोई झगड़ा नहीं हुजूर, मैं कह रहा था कि ये कद्दू मुझे वापस कर दीजिए, मैं इसे अच्छा वाला दूंगा, तो भी ये नहीं मान रहे। देखिए साहब, ये मैं खरीद चुका हूँ, ये मेरा है। लेकिन जब ये आदमी कहता है कि इसे अच्छा वाला देगा, तो इसे लौटा क्यों नहीं देते? फिजूल की तकरार क्यों करते हो? आप चुप रहिए इंस्पेक्टर साहब, आपको इस कद्दू के बारे में कुछ नहीं मालूम, ये मेरे लिए अनमोल है। देखा हुजूर, आपसे भी अकड़ के बात कर रहा है। ए दे इधर। नहीं नहीं, इसे छीन क्यों रहा है? देखिए साहब, कद्दू के अंदर जेवर। क्या
क्यों बाबू, आपको कैसे पता था कि कद्दू में माल भरा है? है कोई ऐसी बात जो मुझे पता ना हो? पकड़ो पकड़ो, भाग रहा है भाग रहा है। पकड़ो, 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 पकड़ो। मुझे माफ कर दीजिए हुजूर, बाल बच्चेदार आदमी हूँ, अनजाने में गलती हो गई, चोरी कर बैठा। ये सोच करके किसी को पता नहीं चलेगा मैंने कद्दू में माल छिपाकर घर में रख दिया था। मेरी गैर हाजिरी में मेरी घरवाली ने इसे भी दूसरे कद्दूओं के साथ गाड़ी में रख दिया, पर न जाने उन्हें कैसे पता चल गया, इतने कद्दूओं में से चुन कर निकाल लिया उन्होंने। अब के माफ कर दो हुजूर, अब से ऐसा धंधा कभी नहीं करूंगा। 303, इसे थाने ले चलो, मैं आ रहा हूँ। साहब आप कमाल के आदमी हैं, इतना बड़ा काम करके चोर को पुलिस के हवाले करके आप ऐसे सीधे साधे बन के खड़े हो गए कि भाई वाह, क्या कहने। मैंने क्या किया, मैं तो वो बस बस साहब, मगर इतना तो हमें भी बता दीजिए कि आपने इस रहस्य का पता कैसे लगा लिया। मैंने पता कैसे लगा लिया, मैंने कहा ना है कोई ऐसी बात जो मुझे पता ना हो। बस आप जैसे शहर में चार और आदमी हो जाए तो क्या कहने साहब जी। अच्छा, अगर आप लोगों का यही ख्याल है तो बहुत अच्छा ख्याल है, मैं चलता हूँ। अरे भाई सुनो, वो लड़की सचमुच स्टेशन मास्टर की लड़की है? हाँ हाँ, अपने मूछों वाले स्टेशन मास्टर जी, वही। अच्छा, शुक्रिया। रामू, ओ रामू जी आया। कॉलेज से बच्चों के आने का टाइम हो गया, मेरे स्टेशन जाने का टाइम हो गया और तू एक माल गाड़ी की तरह आ रहा है। चमचा भर पानी चाहिए था मुझे चटनी के लिए और तू बाल्टी भर कर ला रहा है। अच्छा देख, तू बैठकर चटनी पीस जा, मैं जरा पकौड़ियां तल लूं। रामू, मैंने नमक डाला था इसमें? जी डाला होगा। है? तुझे कैसे पता, तू तो नहीं था यहाँ। तो नहीं डाला होगा तो डाल दूँ? डाल दीजिए, ये किसी ने सच ही कहा है कि बिना जोरू का आदमी और बिना इंजन की गाड़ी दोनों बराबर, दोनों बराबर। अरे हो गई तेरी चटनी जी, तो मुंह क्या देख रहा है, स्टेशन जा, गाड़ी आने का टाइम हो गया है, मैं भी आया 2 मिनट में। अच्छा जी, पिताजी आ गए। बेटी बेटी, मैंने पकौड़ियां तेल में डाल दी, तू इन्हें तल लेना। अच्छा पिताजी। और देख रवि भी आता ही होगा, दोनों मिलकर गरम गरम खा लेना चाय के साथ। अच्छा पिताजी। अच्छा तो मैं जा रहा हूँ। हाँ। नमस्ते चाचा जी। जीती रहो बेटी। नमस्ते चाचा जी। जीती रहो। रेखा, तुम्हारी सहेलियां आई हैं, जाओ बेटी, रेखा अंदर है। अरे तुम आओ, आओ। आओ आओ की बच्ची, आज तू जल्दी क्यों चली आई कॉलेज से? जल्दी कहाँ, आखिरी घंटा खाली था और क्या करती, बैठो। अच्छा ये तो बताओ, यहाँ आने का कष्ट कैसे किया? तुझसे मिलने आई और क्या। आहा, जवाब नहीं, मुझसे मिलने आई है, ये क्यों नहीं कहती कि मेरे भैया से मिलने आई है? अरे नहीं, ये तुम्हारे भैया से मिलने थोड़ी ही आई है, बेचारी के पास कुछ शंकाएं हैं, सो उनका निवारण करवाने आई है। अच्छा क्या शंकाएं हैं? ला मैं निवारण कर दूं। अरे तुम निवारण करोगी तो मजा नहीं आएगा। लो भैया आ गए। अरे वाह, आज तो बड़े बड़े मेहमान आए हुए हैं।
कब आए तुम लोग? अभी। जी हाँ, और बड़े जरूरी काम से आए हैं प्रोफेसर साहब। बात ये है कि कामिनी को अपनी शंका। चल शैतान कहीं थी। अच्छा भैया, तुम अपने मेहमान से बात करो, मैं चाय बना के लाती हूँ। चल किरण। चल रेखा, ठहर मैं भी आती हूँ। कहाँ जा रहे हो? बोलो, क्या समझेंगे? क्या समझेंगे? छोड़ो ना, छोड़ो, छोड़ो। कितनी गर्म है, ये ले पकड़े। मैं भी हाल बता सकती हूँ। अरे तुम्हें यहाँ आने के लिए किसने कहा? जाओ जाओ, बेचारे भैया अकेले हैं। क्या हो गया तुम दोनों को? मेरे पीछे पड़ी हुई हो। अच्छा अच्छा, ये लो चाय और पकौड़िया, जाके उन्हें दे दे। किरण, तुम्हें जाके दे दे ना। जाना। अरे मैं लेके जाऊंगी, तो कुछ भी स्वाद नहीं आएगा उन्हें। हाँ हाँ, ठीक ही तो कहती है, तू जाना। जा ना, जा जा। कितने चम्मच चीनी चाहिए? एक या दो? तीन, चार, पांच। कितनी भी डाल दो, मैं तो मीठी चाय पसंद करती हूँ। अरे ये तो नमक ही नमक है। कितना नमक भर दिया तूने? हाँ? प्रोफेसर साहब, सब ठीक तो है? हाँ, क्यों? नहीं, मैंने कहा पकौड़ी अच्छी बनी है ना? पकौड़ी बहुत अच्छी बनी है, किसने बनाई? मैंने बनाई भैया, लेकिन ये कहती है इसमें नमक कम है। नमक? इसमें तो नमक बहुत ज्यादा है। तो नौबत यहाँ तक आ पहुँची है कि नमक कम है या ज्यादा, ये भी पता नहीं चलता। हाँ। अरे रेखा, मैं जा रही हूँ। अरे किरण, कहाँ जा रही है? अपना बनाने वाले तेरा शुक्रिया, तूने मोहब्बत से मेरा दिल भर दिया, अपना बनाने वाले तेरा शुक्रिया।
रोने लगे हैं तेरी याद में और सताती है रातों को तेरी लगन जी हो उड़ गई नैनों से मेरी नीलिया जब तुझे देखूं मेरा धड़के जिया तूने मोहब्बत से मेरा दिल भर दिया अपना बनाने वाले तेरा शुक्रिया समार ये मौसम महकता हुआ इसमें है रंग जालिम तेरे हुस्न का जी हो मुझे तूने मोहब्बत सिखाई बलम वरना मेरे तो जीवन में कुछ भी न था जी हो तेरी अदाओं ने मेरा दिल ले लिया अपना बनाने वाले तेरा शुक्रिया जाने तेरी नजरों ने क्या कर दिया जब तुझे देखूं मेरा धड़के जिया तूने मोहब्बत से मेरा दिल भर दिया अपना बनाने वाले तेरा शुक्रिया कामिनी हाँ दीदी किरण कहाँ है आ जाएगी दीदी पर तुम दोनों तो साथ ही गए थी ना फिर उसे अकेले क्यों छोड़ दिया मैं उसके साथ कैसे जाती भला क्यों भला क्यों नहीं लड़कियों क्या कानाफूसी हो रही है तुम दोनों में कुछ नहीं माँ मैं इसे पूछ रही थी कि किरण की पढ़ाई कैसी चल रही है आजकल कॉलेज में और ये कह रही थी कि क्या हुआ माँ बुआ, बुआ जल्दी आओ, जल्दी आओ बुआ, बुआ, अरे कमला, क्या हुआ है कमला, माया, क्या कर रही है, क्या हुआ माया तो? कुछ नहीं दीदी, जरा चक्कर आ गया था। कोई बात नहीं, अंधेरी से छह रही है। चल मैं तुझे कमरे में सुला दूँ, चल सहारा दे बेटे, चल। बुआ, मैं डॉक्टर को फोन कर दूँ? हाँ हाँ, जल्दी बुला ले। अच्छा। हेलो सुनिए मैं तामनी बोल रही हूँ मैंने कहा किसे फोन हो रहा है डॉक्टर को क्यों माँ की तबीयत खराब है उन्हें चक्कर आ गया था कब कहाँ है माँ अपने कमरे में अरे डॉक्टर साहब घर पर नहीं है ओह अच्छा सुनिए वो जैसे ही आ जाए उन्हें हमारे घर पर भेज दीजिए माँ माया कैसा लग रहा है माँ जा बेटा फैक्ट्री में फोन कर दे पिताजी को जल्दी बुला ले अच्छा बुआ बेहोश हो गई है तुम टेलीफोन कर दो डॉक्टर को मैं भी आता हूँ अच्छा नमस्ते डॉक्टर कैसी माया बहुत सीरियस मामला है सीरियस और इसके जिम्मेदार आप हैं मैं कैसे क्या हुआ माया को नेशनल बीमारी नेशनल बीमारी वो क्या होती है मैंने तो सुना नहीं क्यों साहब आपके 8 बच्चे तो पहले ही थे मैं पूछता हूं ये 9 की क्या जरूरत थी 9 तो क्या डॉक्टर नहीं कंग्रेचुलेशंस डॉक्टर दीदी ये क्या सुन रहा हूं मैं क्या ये सच है क्या ठीक नहीं हुआ दीदी क्या ठीक नहीं हुआ है इतना परेशान क्यों हो और आ जाएगा एक और आ जाएगा वो तो ठीक है दीदी पर मैं वो कहाँ है उसकी तबीयत तो ठीक है ना हाँ हाँ ठीक है अपने कमरे में कुछ हाँ 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 जा तुम आया ये कैसे हो गया मेरा मतलब है ये अजीब बात हो गई यानी एक बच्चा और मुझे तो विश्वास नहीं होता तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं माया लेट जाओ छोड़ो मुझे शर्म आती है माया शर्म तो मुझे भी आती है लेकिन
शर्माने की क्या बात है, कोई पूछेगा तो कह देंगे अपना पोता है या पोती। कहाँ जा रही है? तुम्हारे लिए चाय ला रही हूँ। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, चाय मैं ले आता हूँ। पर मुझे कुछ नहीं हुआ है। कुछ कैसे? कुछ नहीं हुआ, अभी कुछ नहीं हुआ, बाद में तो होने वाला है। अरे बंटू। माँ तुम्हें क्या हुआ है? माँ मुझे कुछ नहीं हुआ है बेटा, देखो मैं अच्छी तो हूँ। आ बेटा मेरे पास आ। देखो देखो इसकी चाल देखो। पिताजी क्या हुआ है माँ को? शरीर करके माँ की हंसी उड़ाती है। पिताजी पिताजी डॉक्टर ने ये देने के लिए कहा है। डॉक्टर ने? और कहा है फौरन खिला देना। कोई दवाई भेजी होगी। देखा कैसे खिल उठे सबके चेहरे। हमें मिठाई दी ले बंटू। अरे 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 लो मुंह मीठा कर। किसकी चिट्ठी है गोपाल? क्यों छुपा कर रहा है? बहू की है क्या? ऐसा क्या लिखा है? कुछ नहीं माँ, यूं ही लिखा है कि उसकी माँ को जल्दी ही बच्चा होने वाला है। है? एक और बच्चा? हे भगवान किसको हुआ है एक और बच्चा? हुआ नहीं, होने वाला है, तुम्हारी समधन को। तुम्हारी बहू ने लिखा है तुम्हारे बेटे को। अरे वाह खूब। क्यों जी कितने बच्चे हैं अभी उनके? 9 या 10? क्यों बेटा और क्या लिखा है बहू ने? और आपके और माँ के बारे में पूछा है। और कुछ नहीं पिताजी। सुनो मेरे बेटे, कुछ दिनों के लिए अब ये प्रेम पत्र व्यवहार अगर बंद रहे तो अच्छा है। ये तुम्हारी पढ़ाई का आखिरी साल है, अच्छी तरह पढ़कर पहले पास हो जाओ, फिर जो जी में आया करना। इसीलिए मैंने तुम्हारी शादी के वक्त ही सारी बातें उन लोगों से साफ कर दी थी। मैंने कहा था कि साल भर तक मेरा लड़का तुम्हारी लड़की को देखेगा भी नहीं और तुम्हारी लड़की तुम्हारे घर पर रहेगी। समझे बेटा? जी पिताजी। तुम बड़े निर्दयी हो, अभी उनकी उम्र ही ऐसी है, नया नया ब्याह हुआ है उनका और तुम कहती हो। मैं उन्हीं की भलाई के लिए कह रहा हूं, क्या तुम इतना भी नहीं समझती? पहले पढ़ना नहीं चाहिए, पास नहीं होना चाहिए? क्या पढ़ाई क्या पास, मेरी समझ में तो कुछ नहीं आता बाबा। नहीं नहीं बाप रे। नहीं मुझे डर लगता है। क्यों? वो जो तुम्हारे हाथ में पंप है ना उसे जरा दूर रखो। अच्छा अच्छा ये आओ आओ ना। आया। मैं खुद तुमसे कुछ कहना चाहती थी। है? तो फिर कहो ना, मैं तो कब से इंतजार कर रहा हूँ कि तुम कुछ कहो। उस दिन तुम गा रहे थे ना? हाँ। क्या मैं मिर्ची की तरह तीखी हूँ? क्यों कोई शक है क्या? अब तक जलन हो रही है। कहाँ? यहाँ। क्या और कुछ कहो। मजा आता है सुनने में ना? अरे मजा नहीं दम घुटा जा रहा। सुनो अगर कोई लड़का किसी लड़की से उसके बारे में कुछ कहे तो तुम्हें नहीं मालूम उसके दिल में क्या होने लगता है? क्या होता है? तुम नहीं जानते? कसम से मैं नहीं जानता। चाचा दीवाने। अरे अरे अरे, 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 अरे
जा जा रे जा दीवाने जा, जा जा रे जा दीवाने जा। मैंने जो चाहा तुझको अपना बनाया तुझको, किस पे अकड़ता है क्या? जा जा रे जा दीवाने जा, जा जा रे जा दीवाने जा। मैंने एहसान किया दिल जो कुर्बान किया, बढ़ बढ़ के बातें न बना। जा जा रे जा दीवाने जा, जा जा रे जा दीवाने जा। शोला बनके तुझको जला दूंगी पलम। है भेजा मेरा ठंडा नहीं है मुझे गम, मैं पानी बनके तुझको बुझा दूंगा सनम। कितना गुरूर न कर मुझको मजबूर न कर, वरना चखा दूंगी मजा। जा जा रे जा दीवाने जा, जा जा रे जा दीवाने जा। के मैं भी डोरी में कांटा दिल का, फंसा ही लूंगा तुझको बस एक पल में। ना कर तकरार मुझसे, देखे है लाखों तुझसे, अपनी तुझे की ना जता। जा जा रे जा दीवाने जा, जा जा रे जा दीवाने जा। जो तू नागन तो मैं भी मेरी जान, सपेरा बन के कर लूंगा बस मैं तुझे। ओ दिल के चोर सैया यूं ना मरोड़ भैया, दिल लेके ऐसे ना सता। जा जा रे जा दीवानी जा, जा जा रे जा दीवानी जा। मैंने एहसान किया दिल जो कुर्बान किया, बढ़ बढ़ के बातें न बना। जा जा रे जा दीवाने जा। ये तो वही बदमाश है जिसे पुलिस ढूंढ रही है। जाओ जल्दी से थाने जाकर पुलिस को बुला लो। अच्छा जी। चाकू चाकू। अरे ये गुंडा है, कहाँ था ये, कैसे पकड़ लिया आप लोगों ने इसे? कुएं के अंदर। और इंस्पेक्टर साहब ये रहा इसका चाकू। अरे आप यहाँ क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं, मैं यहाँ से गुजर रहा था, मैंने सोचा छुपने की ये जगह अच्छी है। हाँ लेकिन आपको कैसे पता चला कि ये यहाँ छुपा हुआ है? कैसे पता चला? वाह साहब, है कोई ऐसी बात जो मुझे पता ना हो? थैंक यू। ए लगा दो अथड़ी। वाह साहब
वाह जी वाह, आपने तो कमाल कर दिया। सुना है उस दिन आपने कद्दू के अंदर छिपे जेवरात का पता लगा लिया और आज आपने इस बदमाश को पकड़ लिया जो अब तक किसी के काबू नहीं आया था। इसमें कमाल की क्या बात है? यह तो ठीक है जग्गू साहब, मगर आप अपनी जान खतरे में डालकर कुएं में कूद पड़े, कहीं चाकू से वो आपका खून कर देता तो? वो क्या करेगा? देखिए हम लोग नगर सेवा दल के वॉलंटियर हैं, आप ऐसा कीजिए ये सीटी रखिए, जब कभी आप ऐसा कोई खतरे का काम करें ये सीटी बजा दें, हम में से कोई न कोई फौरन आपकी मदद के लिए पहुंच जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा तो चलते हैं हम लोग। अच्छा कहिए कैसे बुलाया? कुछ नहीं, मैं जरा देख रहा था कि सीटी सुनकर आप लोग वापस आते हैं कि नहीं। अच्छा मान गई तुम हो बहादुर, लेकिन जरा कभी अपनी जान का भी तो ख्याल रखा करो। तुम कहती हो तो रखेंगे। ये क्या बार बार सिर हिला रही है? आखिर ऐसा भी क्या लिखा है तेरे पति ने? अरे क्या लिखेगा, यही लिखा होगा कि मैं अपने बाप की आज्ञा तोड़कर वहां नहीं आ सकता। बस तू साल भर और सबर कर ले, और क्या, पानी में रहकर भी बेचारे प्यासे के प्यासे। बुआ, अरे कोई भी उल्टा सीधा बहाना करके दो दिन के लिए क्या वो यहाँ नहीं आ सकता? हम थोड़ी ही उसके बाप को लिख देंगे कि तुम्हारा बेटा यहाँ आया था। आप क्यों जल्दी करती हैं बुआ, उन्होंने तो वही लिखा है जो आप कहती हैं। कल लखनऊ से चल भी पड़े हैं वो और सीधे यहाँ आ रहे हैं, अब तक तो गाड़ी भी आ गई होगी। सच? हाँ माँ। अच्छा, मैं भी तो कहूँ कि आजकल के लड़कों को कुछ सिखाने की जरूरत है क्या? क्यों नहीं? तूने पहले क्यों नहीं बताया कि जवाई जी अभी आ रहे हैं? अच्छा अच्छा, अब जल्दी करो, बहुत सा काम पड़ा है, हरीश के आने का भी वक्त हो रहा है, आज शुक्रवार है ना। बस हो गया दीदी। अरे बंटू जाओ बेटा, जाकर उनके चरण छू। मुझे शर्म आती है माँ। इसमें शर्माने की क्या बात, चलो लो, जवाई जी तो खुद ही आ गए। बस बस बंटू, तू शोर मत। देखो बच्चों, अब जीजा जी के साथ बहुत खेल लिया, चलो बाहर चलो। मैं नहीं जाऊंगा। क्यों? मैं जीजा जी के साथ ही रहूंगा। तू हमारा राजा बेटा है ना, हाँ? चलो चलो बाहर चलो, चलो चलो चलो। देखा दीदी, इतने दिनों के बाद तो जवाई जी आए हैं और वो बच्चे उन दोनों को थोड़ी देर के लिए भी अकेला नहीं छोड़ते। तुम जरा ठहरो तो। अरे बंटू, बिट्टू, चुन्नी, मुन्नी, चलो सब यहाँ नीचे आओ। देखो मैं तुम्हारे लिए मिठाई लाई हूँ, मिठाई। चलिए ना जीजा जी, आप भी चलिए ना मिठाई खाने। हाँ जीजा जी, चलिए। दीदी क्या हम अंदर आ सकती हैं? हाँ हाँ, बड़े शौक से आओ। मैंने कहा जीजा जी, हमारे आने से रंग में भंग तो नहीं हो गया? अरे नहीं, बल्कि रंग और भी चढ़ गया। तुमने वो कहावत नहीं सुनी, साली आधी घर वाली? मगर जीजा जी यहाँ एक दो नहीं, छह छह सालियाँ हैं, फिर बेचारी दीदी कहाँ रहेगी? चलो चलो बच्चे नीचे चलो, आ चलो चलो चलो। यहाँ आओ ना। देखो कमला, मैं यहाँ सिर्फ एक दिन के लिए आया, अगर तुम इसी तरह शर्माती रही तो शर्म शर्म में सारा दिन निकल जाएगा। इतना क्यों शर्माती हो? अरे बंटू, तू कहाँ छुपा था? चुलू चू चू चू। अब मैं बंटू को एक पप्पी दूंगी, फिर जीजा जी बंटू को एक पप्पी देंगे,
फिर हमारा बंटू अच्छी लड़के की तरह नीचे भाग जाएगा। अच्छा दीदी मैं जाता हूँ, लेकिन थोड़ी देर के बाद फिर आ जाऊंगा। अरे जवाई साहब आप कब आना हुआ? परसों आया था परसों। अरे हुजूर अभी आ रहा, क्या पूछते हो तुम भी? अच्छा तो नीचे चलिए, आप हमारा बगीचा नहीं देखेंगे? जी हाँ देखूंगा क्यों नहीं, इतनी दूर से मैं आया किस लिए हूँ? तो फिर चलिए। अरे वो उल्लू वहाँ बैठा क्या बातें बना रहा है, यहाँ नीचे आकर क्यों नहीं मरता? जवाई जी माँ आशीर्वाद दे रही, मैं चलता हूँ। तुम सोचते होगे कि किस घर में शादी करके फंस गया है ना? नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं। सुनो क्या तुम्हारे पिताजी को पता है कि तुम यहाँ आए हुए हो? अरे नहीं, अगर उन्हें पता चल गया तो मुझे मार ही डालेंगे। तो कमला क्या कहते जमाई साहब, क्या ये कहते हैं कि अब लिखाई पढ़ाई बहुत हो गई, अब बस तुम्हारे साथ ही रहूंगा? क्या आप भी पिताजी मजाक करते हैं? अरे तो ठहर ठहर कहाँ जाते हैं? जी बस बस। क्यों? अरे खाओ गोपाल शर्माते क्यों? सुनिए कहिए। ये कल जाने के लिए कह रहे हैं, इनसे कहिए ना एक दो रोज और ठहर जाएं। मैं तो रुकने के लिए कह दूंगा और शायद ये दोनों भी यही चाहते होंगे। क्यों? लेकिन जैसे इनके पिताजी कहते हैं शायद इनकी पढ़ाई ज्यादा जरूरी है। बस आप तो यही कहेंगे। सुनो जब से जमाई जी आए हैं सारे बच्चे दिन भर उन्हें घेरे रहते हैं, बेचारे को एक मिनट के लिए भी कमला के साथ अकेला नहीं छोड़ते। बच्चे तो ऐसा करेंगे ही। वाह छोटे तो छोटे, बड़े भी उधर पहुंचकर उधर मचा रहे हैं, अब तो तुम्हारी ही सुनेंगे। तुम चुप रहो, मैंने एक उपाय सोचा, देखो मैं क्या करता हूँ। सुनो रे बच्चों सुनो, जो मेरे साथ सिनेमा जाना चाहता है वो यहाँ आ जाए, वरना मैं जा रहा हूँ। जाना है तो जाके गाड़ी में बैठ जाओ, जाओ जाओ। कहाँ कहाँ चल दिया आप जग्गू साहब? ऊपर जमाई जी को बुलाने। क्यों 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 क्यों? सब लोग पिक्चर जा रहे हैं, जमाई जी बेचारे कमला के साथ अकेले रह जाएंगे। हाँ मैं जानता था तू ऐसी कुछ गड़बड़ करेगा, चल मेरे साथ। मामा गड़बड़ आए चल। तुम्हारे पिताजी हैं बड़े होशियार, अब 3 घंटे के लिए बस तुम और मैं। देखो जग्गू मेरे पिताजी को कभी ये पता ना चले कि मैं यहाँ आया था, समझे? समझे यार, तुम आगे बोलो ना। ये गाड़ी कब चलेगी? अगर मैं एक काम करूँ ना तो ये गाड़ी अभी चल सकती है, लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए। अच्छा जरा देखे तो क्या कर सकते हो तुम? क्या कर सकता हूँ? ये क्या है? सीटी है, बजाना भी आता है तुम्हें? अरे वाह ये क्या कह दिया तुमने? अरे वाह।
है, पकड़ो, भाग रहा है, भाग रहा है, पकड़ो 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 पकड़ो। बदमाशो, सोचा होगा गाड़ी में चढ़ के भाग जाओगे। बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोगों ने इन चोरों को पकड़वा दिया। धन्यवाद हमें नहीं, उन्हें दीजिए, वो जा रहे हैं। सुनिए साहब सुनिए, कहाँ है वो, कहाँ है वो आदमी जिसने गाड़ी चलवा दी? मुझे माफ कीजिए, मैं फिर से कभी। बहुत अच्छे जग्गू भैया, ऐसे बन रहे हैं जैसे कुछ पता ही नहीं आपको। ये जानकर के चोर स्मगलर यहाँ आने वाले हैं, आपने एक ही सिटी में गाड़ी भी चला दी और हमें भी बुला लिया। वाह वाह वाह। अच्छा तो ये सब आपने किया? चलिए जो कुछ भी आपने किया, नतीजा बहुत अच्छा निकला। पर आपको ये कैसे मालूम हुआ कि बदमाश लोग इस गाड़ी से भागने वाले थे? तो बेटा कुछ कहने की जरूरत नहीं, मुझे सब कुछ मालूम है। मेरी बेटी रेखा ने तुम्हारे बारे में मुझे सब कुछ बतला दिया है। हाँ बेटा, जीते रहो बेटा, जीते रहो। बाबा हुआ ना को, बाबा हुआ है। चल 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 देखे, चल चल चल। अरे कमला, संभल कर सीढ़ियाँ उतरना बेटा, और पिताजी को दिखाकर जल्दी वापस लाना। आंखें तो देखिए कितनी बड़ी बड़ी हैं। लीजिए संभाल के। अब तू मुझे बच्चा संभालना सिखाएगी हैं?
अरे ये तो हरिश्चंद्र खन्ना साहब हैं, साथ में उनकी बेटी और हमारा मोहन, मामला क्या है? पता नहीं। नमस्ते प्रिंसिपल साहब। नमस्ते। मैं आप ही से मिलने आया। आइए आइए, वो भाग्य हमारे, बैठिए। आप आते ही कब हैं हमारे घर? बैठो बेटी। मोहन जरा इधर तो आओ, मैं अभी आया। क्या मामला है? अगर कुछ बात हुई है तो मुझे बता दो। क्यों बोलते क्यों नहीं? तुम इस तरह सहमे हुए क्यों हो? कुछ किया है तुमने? अरे कुछ किया है तूने तो बता दे। कुछ नहीं माँ। सुनो, अगर तुमने उस लड़की के साथ कुछ छेड़ की है तो मुझे बता दो, मैं उनके पैर छूकर माफी मांग लूंगा। नहीं प्रिंसिपल साहब, हम यहां बैठे हैं। जी आया, बैठिए प्रिंसिपल साहब। ठीक है जी। नहीं नहीं बैठिए। सुनिए प्रिंसिपल साहब, आपका बेटा मोहन। पिताजी तुम चुप रहो। आपका बेटा मोहन मेरी बेटी को साथ लेकर सारे शहर में घूमता फिरता है, मैंने अपनी आंखों से देखा है। क्या ये शर्म की बात नहीं कि ये दोनों इस तरह छुप छुप के पार्कों में मिलते रहते हैं? जी लेकिन ये लोग बच्चे हैं। बच्चे हैं तो इसका मतलब इन्हें छोड़ देना चाहिए। जी नहीं, छोड़ तो नहीं देना चाहिए। फिर क्या करना चाहिए मैं बताऊं? जी इन दोनों का ब्याह कर देना चाहिए। क्यों प्रिंसिपल साहब अब चुप क्यों हो गए? देखिए प्रिंसिपल साहब, बच्चे जब जवान हो जाएं और एक दूसरे को चाहने लगे तो माता पिता का यह कर्तव्य हो जाता है कि उनके प्रेम में किसी तरह की रुकावट ना आने दें, जल्द से जल्द उनका ब्याह करा दें ताकि उनका जीवन सुखी हो जाए। आप इतने बड़े विद्वान हैं, मैं आपको क्या क्या हुआ? मैंने कोई अनुचित बात कह दी? नहीं नहीं खन्ना साहब, आप मुझे विद्वान कह रहे हैं। भले ही मैं कॉलेज में विद्यार्थियों को पढ़ाता हूं लेकिन जिंदगी की पढ़ाई में आप मुझसे कहीं आगे हैं। जी जी सुनती हो, जरा इधर तो आओ। किरण इनके पैर छू बेटा। जीती रहो बेटी, जीती रहो बेटी। पिताजी खन्ना साहब आप आइए 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 आइए। बिरा जी नमस्ते। नमस्ते। माफ कीजिएगा खन्ना साहब, आज आपको यहां देखकर ऐसा लगता है जैसे फ्रंटियर मेल किसी छोटे स्टेशन पर आकर रुक गया है। आपके लिए चाय मंगाऊं या कुछ ठंडा? जी धन्यवाद। आपका बेटा रवि घर पे है? जी नहीं। क्यों क्या बात है? आपका बेटा रवि और मेरी बेटी कामिनी। माफ कीजिएगा खन्ना साहब, मैंने अपने बेटे से तभी कह दिया था। क्या कह दिया था? मैंने कहा था सुनो बेटा, छोटी लाइन की गाड़ी को बड़ी लाइन पर चलने के सपने नहीं देखने चाहिए। वो बड़े घर की बेटी है, वहां मत उलझना। लेकिन खन्ना साहब आप जानते हैं आजकल के लड़के हमारी बात सुनते हैं। यानी जो आपने कहा उसने नहीं सुना, अब जो मैं कहूंगा आप वो सुनेंगे? सुनूंगा, जरूर सुनूंगा। तो सुनिए, अब हम बड़ों का ये धर्म हो जाता है कि हम उन दोनों का ब्याह कर दें। क्या कहते हैं? मैं क्या कहूंगा, मैं क्या कह सकता हूं, मैं तो डर के मारे कांप रहा हूं। नहीं डरने खन्ना साहब, आप मजाक तो नहीं कर रहे हैं? नहीं मैं मजाक नहीं, आपसे विनती कर रहा हूं। देखिए अभी मैं प्रिंसिपल साहब के यहाँ गया था, उनके लड़के मोहन के साथ अपनी छोटी लड़की किरण की शादी की बात करके आ रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ कि उसी मुहूर्त में अगर इन दोनों का ब्याह हो जाए तो अच्छा है, अगर आपको मंजूर हो तो।
अजी ये भी कोई पूछने की बात है, एकदम मंजूर है। अच्छी बात है, मैं चलता हूं। खन्ना साहब एक छोटी सी प्रार्थना मेरी भी है। हाँ कहिए कहिए। जरूरत पड़ने पर मेल ट्रेन के पीछे मालगाड़ी का डब्बा भी जोड़ दिया जाता है। जब मैं समझा नहीं। मेरा मतलब मेरी भी एक बेटी है रेखा और आपका भांजा जग्गू, ये दोनों आपस में एक दूसरे को चाहते हैं। सच? तो ये भी साथ साथ हो जाए। देखिए काम कीजिए जी, अगले शुक्रवार की शाम को मेरे घर आ जाइए जी, वहाँ प्रिंसिपल साहब भी आ रहे हैं जी, वहाँ बैठ के इत्मीनान से तीनों लड़कियों की शादी तय कर लेंगे। धन्यवाद खन्ना साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चलूं। साहब नहीं है? अभी आते ही होंगे,
आप बैठिए ना। लीजिए, हमारे स्टेशन मास्टर साहब भी आ गए। आइए। आ रहा हूं। नमस्ते। नमस्ते। अरे दो मिनट लीजिए, दीजिए। आप बैठिए ना। अरे जी बैठ जाऊंगा। आइए बहन जी। दीदी, आप प्रिंसिपल साहब की धर्मपत्नी हैं और आप मेरी ननद। नमस्ते। नमस्ते। बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर। मुझे भी। दीदी, वो तो अभी तक आए नहीं है, आप इनसे बात कीजिए, मैं कारखाना टेलीफोन करके आती। अरे अभी तक फोन नहीं किया। राम स्वरूप जी। जी क्या देख रहे हैं? प्रिंसिपल साहब, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई थर्ड क्लास का पैसेंजर भूल से फर्स्ट क्लास वेटिंग रूम में आ घुसा है। कारखाने से निकल चुके हैं? कब? दो घंटे हुए। दीदी, वो तो दो घंटे हुए कारखाने से निकल चुके हैं। अरे तो फिर अभी तक पहुंचा क्यों नहीं? कोई बात नहीं, अभी आता ही होगा। बहन जी, मैं तब तक आप लोगों के लिए चाय लाती हूँ। ऐसी क्या जल्दी है बहन जी, भाई साहब को भी आ जाने दीजिए ना। वो आ गए। खन्ना साहब का यही मकान है? हाँ हाँ यही है। तुम कौन हो बेटा? आओ अंदर आओ। आओ भाई, आओ बैठो। खन्ना साहब से मिलना चाहते हो? जी हाँ। क्या नाम है बेटा तुम्हारा, कहाँ से आ रहे हो? जी मेरा नाम सुंदर है, मैं दिल्ली से आ रहा हूँ। हाय राम, खन्ना साहब से मिलने के लिए दिल्ली से इतनी दूर आ रहे हो? उनसे तो वहीं मिल लेते। जी मुझे पता नहीं था कि आज वो कारखाने से इतने जल्दी चले जाएंगे, उनसे मिलना बहुत जरूरी था, इसलिए मैंने कारखाने में पूछा कि वो मुझे कहाँ मिलेंगे, तो उन्होंने यहाँ का पता दिया। आखिर तुम बच्चे हो, दिल्ली से मेरठ इतनी दूर टैक्सी में तुम अकेले चले आए? जी मुझे रुपयों की बहुत सख्त जरूरत है, स्कूल में इस टर्म की फीस जमा करने की कल आखिरी तारीख है। कल शनिवार है, खन्ना साहब घर तो आएंगे नहीं। घर? किसके घर? हमारे। तुम्हारे घर खन्ना साहब क्यों आएंगे? क्योंकि वो मेरे पिताजी हैं। क्या बकवास कर रहा है ये लड़का? अरे कुछ नहीं, शायद हरीश इसकी फीस देने इसके घर जाता होगा, इसीलिए उन्हें पिता मानता है ना? जी ऐसी बात नहीं, वो तो सच में मेरे पिताजी हैं। लड़के, तू किसके बारे में बात कर रहा है? खन्ना साहब के बारे में। हरिश्चंद्र खन्ना साहब, जिनका दिल्ली में मोटर का कारखाना है? जी वही। ये क्या मुसीबत है माया? लड़के जरा इधर तो आओ। देखिए आप लोग कुछ गलत न समझिए, बच्चे की जात है इसलिए उल्टा सीधा बोल रहा है। हरीश भाई अभी आते ही होंगे, तब तक आप लोग जरा बैठिए। प्रिंसिपल साहब, शगुन कुछ ठीक नहीं दिखाई देता। मुझे तो कुछ दाल में काला दिखाई देता है। नहीं नहीं, आप लोग खन्ना साहब को नहीं जानते, वो कितने ही गरीब बच्चों की मदद किया करते हैं, ये उनका गोद लिया हुआ बच्चा होगा। सुनो, सब बात ठीक ठीक बताना, वो तुम्हें अपना बेटा मानकर पालते हैं ना? जी मानकर नहीं, मैं उनका सगा बेटा हूँ। सुनो बच्चों, तुम सब ऊपर जाओ, कमरे में तुम्हारी दीदियां हैं, उनके साथ जाकर खेलो। भागो भागो भागो। क्यों रे, तू रहता कहाँ है? जी दिल्ली से 10 मिनट दूर पटेल नगर है ना, वहाँ हमारा मकान है। खन्ना साहब भी आते हैं तुम्हारे मकान पे कभी? कभी जी, वो तो रहते ही वहाँ है, हर सोमवार से शुक्रवार तक। शायद आ रहे हैं। माफ कीजिए मुझे देर हो गई। नमस्ते राम स्वरूप जी। नमस्ते। नमस्ते प्रिंसिपल साहब, बैठिए बैठिए बैठिए। नमस्ते जी, क्या बताऊं, रास्ते में एक लॉरी पेड़ से टकरा गई और उसका ड्राइवर जख्मी हो गया, तो अपनी कार में डालकर मैं उसे अस्पताल ले गया, इसलिए मुझे देर हो गई। आप लोगों ने चाय वाय पी? ठीक है, कोई बात नहीं, पी लेंगे हम लोग। पहले आप अपने मेहमान से मिल लीजिए। मेहमान? आप भी लोग तो मेहमान हैं, और कौन मेहमान? और मेहमान भी हैं खन्ना साहब,
अंदर कमरे में। माया कौन है माया? अरे चुप, कौन आया? देखो अरे सुंदर, तुम यहाँ कब आए? अभी थोड़ी देर हुई पिताजी। लेकिन सुंदर तुम्हें पता कैसे चला कि मैं? सुनिए पहले बताइए कि लड़का कौन है। देखिए मुझसे कुछ न छुपाइए, जो कुछ भी सच सच बता दीजिए, आपको मेरी कसम। सुंदर तुमने बताया नहीं कि तुम कौन हो। लेकिन आप बताइए ना लड़का कौन है, ये तो कुछ उटपटांग कह ही रहा है। तुमने क्या उटपटांग कह दिया सुंदर? कुछ नहीं पिताजी, आपने मुझसे पूछा कि मैं कौन हूँ और आप मेरे कौन होते, तो मैंने कह दिया कि मैं आपका बेटा हूँ। ठीक कहा ना पिताजी? हाँ बेटा तुमने ठीक ही कहा। हरीश ये क्या हंसी मजाक का वक्त है, जानते नहीं बाहर मेहमान बैठे हुए हैं? बताओ ना भैया सच बात क्या है, हमारा दम घुटा जा रहा है। हरीश देखो मुझे इस लड़के से कोई बैर नहीं, कोई नफरत नहीं, और ऐसे भोले भाले बच्चे को मैं अपना बेटा मानने के लिए कभी हिचकिचाऊंगी। अगर तुमने अपने बेटे की तरह इसे पाल पोस कर बड़ा किया है तो कह दो, मैं समझूंगी कि जैसे मेरी कोख से पैदा हुआ। मगर जल्दी बता है लड़का कौन है। माया ये मेरा अपना बेटा है, किसी और से नहीं। प्रिंसिपल साहब सुन लिया आपने, खन्ना साहब ने खुद अपनी जबान से कबूल कर लिया कि वो उनका अपना बेटा है, किसी और से। सुंदर बैठ जाओ तुम। सुनो माया, माया इस वक्त अगर तुम दीदी समझाओ माया को, ये वक्त इन सब बातों के लिए नहीं है, बाहर मेहमान बैठे हुए हैं, मैं जाता हूं, तुम माया को साथ ले आओ। आओ सुंदर। ये रहे 300 रुपए तुम्हारी फीस के लिए और किताबें खरीदने के लिए, काफी होंगे ना? जी ठीक है। अरे घर को आग लगी है और तुझे रुपए की पड़ी। अरे सुंदर तुमने कुछ खाया है कि नहीं? कोई बात नहीं पिताजी, घर जाके खा लूंगा। घर जाके खा लूंगा? तो ये तुम्हारा घर नहीं है, यहां से भूखे जाओगे। इधर आओ। माया दीदी क्या है? दीदी सुंदर ने कुछ खाया नहीं, मुझे भी याद नहीं रहा, इसके लिए कुछ ले आओ। और दीदी इसे मीठा ज्यादा पसंद है। लाती सगाई की मिठाई सब यूं ही धरी, कम से कम ये तो खा ले। क्या बात है बेटा? मैंने कोई गलती की है पिताजी? नहीं नहीं बेटा, तुम ऐसा क्यों सोचते हो? जानते हो तुम्हारी कौन है? तुम्हारी बुआ। अरे बंटू बिट्टू टुन्नी मुन्नी बच्चू इधर 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 आओ मेरे पास आओ। नहीं 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 बंटू ऐसा नहीं करना चाहिए। मालूम है कौन है? तुम्हारा बड़ा भाई सुंदर। इधर आओ आओ। और दीदी इसके पीने के लिए कुछ है? हाँ हाँ क्या लो, चाय कॉफी? नहीं दीदी ये चाय कॉफी वगैरह पीता नहीं है, इसके लिए एक गिलास गरम दूध ले आओ। अच्छा लाती खा। सुंदर बेटा ये जलेबी अच्छी है ना?
जी। क्या देख रहे हो बच्चों, खाओगे? लो तुम भी खाओ। हमें नहीं चाहिए। बड़ा भाई बनने चला है, जरा सूरत तो देखो। मैंने तो मुंह पर ही सुना दिया। लेकिन पिताजी तो बड़े लाड से उसे अपने पास में बिठाते हैं, फिर हम क्या करें? हाँ यही तो मुश्किल है। चलो हम पिताजी तक कट्टी कर लेंगे। क्यों बिट्टो, तेरी क्या राय है? मुझसे मत पूछ, मुझे तो ये सब बिल्कुल पसंद नहीं। जरा नाम तो देखो, सुंदर बंदर कहीं का। खैर ये बात छोड़ो, अब सवाल ये उठता है कि उस सुंदर को हम अपना भाई मान लें या नहीं। हम कैसे मान सकते हैं? क्यों नहीं मान सकते हैं बिट्टो, हमारे पिताजी उसके पिताजी हैं। लेकिन हमारी माँ उसकी माँ नहीं है। ये तो ठीक है, लेकिन हम उसे भाई नहीं मानते तो पिताजी नाराज हो जाएंगे। नाराज हो जाएंगे तो हो जाए, तो क्या? माँ को रुलाने वाले भाई को हम कभी नहीं मानेंगे। भाई अब जल्दी से कुछ फैसला करो, मुझे तो नींद आनी है। बराबर चले जाओ ना बेटा। जी पिताजी। ड्राइवर संभाल कर ले जाना। इतनी देर से रो रही हो, अब तो मन हल्का हो गया होगा। बेशर्मी की भी हद होती है। अब मेरी समझ में आया ये भेद कि तुम हफ्ते में कुछ रोज यहाँ और कुछ रोज बाहर क्यों रहते हो। समझ में आ गया ना? मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इस तरह का विश्वासघात करोगे, कभी नहीं सोचा था। बोलो बोलो और बोलो, अब तो तुम्हें बोलना है और मुझे सुनना है। कौन है वो? कब से चला है उसके साथ तुम्हारा ये मामला? सच सच बताओ, देखो मुझसे कुछ मत छुपाओ। इसका मतलब है मुझ पर तुम्हारा विश्वास नहीं रहा। विश्वास? अब तो मैं सिर्फ मौत पर ही विश्वास कर सकती हूँ। ऐसा क्यों कर रही हो माया? क्या मैंने तुम्हें हमेशा सच्चे दिल से प्यार नहीं किया? बस बस बहुत हो गया तुम्हारा ये प्यार। मेरे गले पे छुरी चला कर भी मीठे बन रहे हो। मुझे नहीं मालूम था कि तुम इतने बड़े पगला भगत हो। भगवान के लिए तुम चले जाओ यहाँ से, मेरी जान निकली जा रही है। सुनो माया, मेरी बात सुनो। अब क्या सुनने को बाकी रह गया है? जाओ अब वहां जाकर रहो उसके पास। मुझे और मेरे बच्चों को शांति से अलग रहने दो, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ। माया इसके लिए क्या बच्चों को पूछना नहीं पड़ेगा? हाँ हाँ पूछो, तुम खुद जाकर पूछो। और अगर उन्होंने मेरे साथ रहना पसंद किया तो? आओ पूछो उनसे, उन्हीं से पूछो। ये जो कहेंगे वही हम करेंगे। पूछो, अब पूछो ना। अच्छा पूछता हूं। सुनो बच्चों, तुम्हारी मां को मैं अच्छा नहीं लगता हूं। ऐसा लगता है कि वो मुझसे बहुत नाराज है और अब मुझसे बात तक करना नहीं चाहती।
अगर तुम्हारी माँ मुझसे बात ही नहीं करेगी तो मैं इस घर में रह के क्या करूंगा। इसलिए सोचता हूं कि इस घर से ही चला जाऊं। लेकिन जाने से पहले तुम सबसे एक बात पूछना चाहता हूं। मैं ये जानना चाहता हूं कि तुम किसकी तरफ हो, मेरी तरफ हो या अपनी माँ की तरफ। जो मेरी तरफ है वो इधर आ जाए, जो माँ की तरफ है उधर चला जाए। चुप क्यों हो? चुप रहने से काम नहीं चलेगा, तुम्हें फैसला करना ही पड़ेगा। बेटा बंटू, तुम किसकी तरफ हो? तुम मेरी तरफ हो ना? नहीं, मैं माँ के साथ ही रहूंगा पिताजी। बिट्टू तुम, और तुम भी माँ की तरफ। तुम? मैं भी माँ की तरफ हूँ पिताजी, लेकिन 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 कुछ नहीं। मैं मुन्ने, तुम आप यहाँ से जाते क्यों हैं पिताजी? हम सब साथ ही रहेंगे ना? मुन्नी ये मेरे सवाल का जवाब नहीं। मैं पूछता हूँ तुम मेरी तरफ हो या माँ की तरफ? तू भी मुझे पसंद नहीं करता, ठीक है? तो फिर अब मैं इस घर में क्यों रहूं जहां मुझे कोई नहीं चाहता? मैं जा रहा हूं। और देखो बच्चों, तुम लोग ठीक से रहना। चाहती क्या? सुनो, अब मैं कुछ नहीं बोलूंगी, नहीं पूछूंगी कि वो कौन है क्या है। अगर मुझसे कोई भूल हुई हो तो मुझे माफ कर दो, मेरे बच्चों को माफ कर दो। मैं नहीं चाहती थी कि तुम इस हद तक चले जाओगी। नीचे उतरो। मुझे ये घर छोड़कर जाना अच्छा लगता है। क्या तुम सबको छोड़कर मैं जिंदा रह सकता हूं? दीदी, मुझे भूख लगी। दीदी, खाना लगाओ। भैया, कल रात हमारी गली में 6 नंबर के मकान में चोरी हो गई। तुम आके देखोगे, उन चोरों को फौरन पकड़ लोगे। अरे जाओ भाई, मुझे तंग मत करो। एक तो वैसे ही हमारे घर में पहले से गड़बड़ी मची हुई है, ऊपर से तुम कहते हो कि चल के चोरों को पकड़ लो। अरे तुमसे किसने कह दिया कि मैं चोरों को पकड़ सकता हूँ? जग्गू भैया, जरा मेहरबानी करो। देखो भाई, मेरा पीछा मत करो, मेरा दिल ठिकाने पर नहीं है, मुझे माफ करो। वह तो वैसा ही कहेगा, जो कुछ कहना था हमने उससे कह दिया। अब हमारी बातें जरूर उसके दिमाग में चक्कर लगाती रहेंगी। जाके देखो तो वह कहीं बैठा यही सोच रहा होगा। सुन भाई, अकेला बैठा है बच्चू, बस यही मौका है, चलो। Thank you.
से हम पुलिस को चकमा देते आ रहे हैं और तू हमारे साथियों को पकड़वाता जा रहा है। खोल ले इसको। अरे भाई, आप लोगों ने मुझे यहाँ तक उठाकर लाने की तकलीफ क्यों की? अरे मुझसे कह देते मैं खुद ही चला आता। सरदार, आप इस खटमल को मुंह क्यों लगा रहे हैं? ए, खटमल तेरा बाप। एक लात लगाई ले कसके। ए, जरा खबर ले इसकी। पुलिस का आदमी है तू नहीं बे? अबे इतनी जोर से क्यों मारता है? हमको दुखता है। क्यों बे पाजी, तू जासूस बना हुआ है ना? देखो भाई, मैं सच कहता हूँ, मुझे कुछ नहीं पता ये जासूस वासूस क्या होता है। अल्लाह मेहरबान तो ये गधा पहलवान। मेरे भाई मुझे परेशान मत करो, घर जाने तो मुझे मेरी माँ ढूंढ रही होगी। अबे ठहर जा। मैंने बुशे फाड़ दिया। कमबख्त सीटी बजा के आदमियों को बुलाता है। ए, छीन ले इसके सीटी। अरे ये क्या? अरे गुदगुदी हो रही है। अरे क्या कर रहे हो? निकाल जल्दी, कहाँ छिपा रखी है सीटी? आपके पास है क्या सीटी? नहीं, नीचे गिर गई होगी। जरा हटना, हटो यार, तकिए के नीचे होगी। नहीं 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 है। नहीं देता। कथा कहीं का, अब बुला पुलिस को। साहब आइए। अपने जग्गू साहब ने आज फिर कमाल कर दिया। ये अकेले ही बदमाशों के अड्डे में घुसा है और सीटी बजाकर हम सबको भी बुला लिया। शाबाश जग्गू साहब, शाबाश। शाबाश तो ठीक है साहब, लेकिन मेरे को मेरी माँ मारेगी। क्यों? ये लोग ने मेरा भूषण फाड़ दिया। ले इनको। और हिम्मत तो देखिए उस पाजी की कि अपने मुंह से अपनी पोल खोलते हुए जरा नहीं शर्माया। और माफ कीजिएगा प्रिंसिपल साहब, हम लोग भी कितने बड़े मूर्ख हैं कि समझे फर्स्ट क्लास का डब्बा और बैठे थर्ड क्लास में। अजी थर्ड क्लास से भी थर्ड क्लास। कौन थर्ड क्लास और कौन फर्स्ट क्लास? आप उनके बारे में इस तरह बात कर रहे हैं, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। वो बड़े आदमी है, अच्छे आदमी है, शहर में उनका इतना मान है, इतनी इज्जत है। हम भी यही समझते थे बेटा, लेकिन हम लोगों ने उनके घर में जो कुछ भी देखा सुना वो ठीक नहीं है, वो बहुत बड़ी बुराई है। लेकिन किरण में क्या बुराई है पिताजी? नहीं, किरण में कोई बुराई नहीं, वो बहुत अच्छी लड़की है, मुझे तो अभी भी वो पसंद है। लेकिन मुझे पसंद नहीं, मैं ऐसे नीच खानदान में तेरी शादी नहीं कर सकती। वो तो अच्छा हुआ जो भगवान ने बचा लिया उस पापी की लड़की से। अगर ये सच भी है तब भी माँ बाप के पाप का घड़ा बेटी के सर पर क्यों फोड़ती हो? पिताजी, कमल कीचड़ में पैदा होता है फिर भी भगवान के चरणों पर चढ़ाया जाता है। किरण कमल की तरह निर्दोष है, निष्पाप है। मैं किरण से शादी करूंगा। देखा आजकल के लड़कों की बातें, वहां मेरा बेटा रवि भी यही कहता है। कहता है कि शादी करूंगा तो कामिनी से, वरना जन्म भर कुंवारा रहूंगा। नमस्ते प्रिंसिपल साहब। अच्छा, आप भी आइए। और जाएंगे भी कहां? यही तो एक ठिकाना रह गया है जहां दो सीधे साधे आदमी बैठकर आपस में अपना दुख सुख कह सुन सकते हैं। मैं आप ही से मिलने आया था। जी, मुझसे या आपसे? आप दोनों से ही। मैं बैठिए बैठिए। धन्यवाद। उस दिन आप लोग मेरे घर से बिना कुछ भी कहे चले आए, मुझे बहुत दुख हुआ। जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, उस दिन का शगुन अच्छा नहीं था इसीलिए। शायद
शायद आपने मुझे गलत समझा। जी नहीं, इसमें गलत समझने की क्या बात है प्रिंसिपल साहब, हर एक आदमी का अपना अपना तरीका होता है। आप सुनिए तो सही, मैं क्या कहना चाहता हूँ। अब कहने सुनने को बाकी क्या रह गया है खन्ना साहब, वो सब तो हमने अपनी आंखों से देख लिया कि आपका एक 14-15 साल का लड़का और भी है। जी हाँ। और एक दूसरी स्त्री भी है। जी हाँ, बिल्कुल ठीक। भगवान जाने वो ब्याहता है या रखेल। वो सब मैं आपको बता दूंगा। देखिए प्रिंसिपल साहब, जो आंखों को दिखाई देता और कानों को सुनाई देता हमेशा वही सच नहीं होता। सच का पता तो जांच पड़ताल और छानबीन के बाद ही चलता है। हमें चाहिए कि अपने बच्चों की भलाई के लिए दोबारा मिलकर बात साफ साफ कर लें। आप मुझे एक मौका और दीजिए, आप मेरे घर आइए, आज कल परसों, जब भी आपका जी चाहे। आप इतना भी नहीं कर सकते मेरे लिए, न सही बच्चों के लिए तो कर सकते हैं। कह दीजिए ना कि हम लोग सोच समझ कर सूचित करेंगे। बस इतना ही मेरे लिए काफी है। नमस्ते। मां अंदर है क्या बुआ? नहीं तो। सुनो लड़कियों, इस वक्त अपनी मां को तंग मत करो। है क्या? नहीं है। ये क्या बुआ, कमरा कमरा ढूंढ लिया, मां तो कहीं भी नहीं है। अरे क्या कह रही है? हाय हाय, ये क्या, देख कहीं बगीचे में तो नहीं? बगीचे में भी नहीं है बुआ। हाय राम, अब क्या करूं? माया, क्या बात है? अरे क्या बताऊं भैया, माया का कहीं पता नहीं चल रहा, सारा घर ढूंढ लिया हमने। इतनी परेशान क्यों होती हो, यही नहीं होगी? नहीं है यहाँ। माँ को हमने सब जगह खोज लिया पिताजी, लेकिन वो कहीं नहीं मिल रही। हे भगवान, अब क्या होगा? उसका तो होश ठिकाने पर नहीं था। किसका होश ठिकाने पर नहीं था मैं? अरे क्या बताऊं बेटा, माया का कहीं पता नहीं, सारा घर छान मारा है हमने। तूने कहीं देखा? कहीं देखा? अरे मैं ही तो उन्हें भेज कर आ रहा हूँ। कहाँ? मामी ने कहा मुझे दिल्ली जाना है, पटेल नगर, एक टैक्सी ला दे, सो मैं उन्हें टैक्सी में छोड़ कर आ रहा हूँ। ओ ये बात। अरे हाँ, माँ कह तो रही थी कि मैं वहाँ क्यों ना जाऊँ। किसका तार है भैया? कमला के ससुर का। देखा, अगर कमला को फौरन अगली गाड़ी से यहां नहीं भेज दोगे तो क्या? तो फिर उसे कभी भी भेजने की जरूरत नहीं। ओ, मैं सोच रही थी कि कहीं यहाँ की बातें उन लोगों के कान पर ना पड़ जाए। अब क्या करोगे भैया? सुनो, हम अपनी मुसीबतें इस बेचारी कमला के सर पर क्यों ला दें? इसका ससुर तो बड़ा गुस्सेल आदमी है, चुपचाप भेज दो इसे। तुम ठीक कहती हो दीदी, मेरा ख्याल है तुम इसे पहुंचाओ, लेकिन रात तक तो कोई ट्रेन नहीं है। बेटा जरा फैक्ट्री टेलीफोन कर दो, एक गाड़ी भेज दे। गाड़ी की क्या जरूरत है भैया, सिर्फ 50 मील की तो बात है, हम बस ले लेंगे, बस ही से चले जाते हैं। क्या सोच रही है बेटी? चल तैयारी कर। आया, देखना तो कौन है। आइए, किससे मिलना है आपको? अंदर आइए। घर में कोई नहीं है क्या? जरा ठहरिए, मैं बुलाती हूँ। आप बैठे ना, अभी आती हैं। से मिलना है आपको? आप कौन है? मैं कौन हूँ ये बाद में बताऊंगी, तुम कौन हो? मैं खन्ना साहब की लड़की हूँ। ओह, देखो दीदी, लीला ने अपनी किताब तो खो दी, अब मेरी छीन रही है।
नहीं दीदी, रमेश झूठ बोलता है, ये मेरी किताब है। ये मेरी है, ये मेरी है। देखो देखो, मैंने अभी तुमसे कहा था कि झगड़ो नहीं, फिर झगड़ने लगे। घर में मेहमान आए हैं, क्या समझेंगे, जंगली समझेंगे। ये कौन है? ये मेरा भाई रमेश और ये बहन लीला। रमेश लीला, चलो नमस्ते करो। नमस्ते। एक और भाई भी तो है तुम्हारा? जी हाँ, सुंदर, वो अभी बाहर गया हुआ है। अरे, मैंने अभी तक आपको बैठने के लिए भी नहीं कहा। कोई बात नहीं, अब बैठिए, मैं आपके लिए चाय लाती हूँ। नहीं नहीं, मुझे चाय नहीं चाहिए। अब बैठिए, तो मैं अभी आती हूँ। तेरे पाँव पे तो नहीं उड़ा? नहीं दीदी। क्या हुआ? जी, दूध में उफान आया हुआ था, मैं बर्तन उतारने लगी तो हाथ से फिसल गया। अच्छा हुआ इसका पाँव बच गया। ये तो ठीक है, पर ये रसोई का काम तुम क्यों करती हो? वो नहीं करती क्या? वो कौन? कौन? क्या सवाल है? ये अच्छा परिवार है, बच्चों को रसोई घर में अकेले छोड़कर खुद क्या कर रही है? ऊपर लेटी आराम कर रही है? ऐसी निर्दय औरत तो मैंने आज तक नहीं देखी। किसके बारे में कह रही हैं आप? तुम्हारी माँ के बारे में। बुलाओ अपनी माँ को यहाँ, मुझे उसे मिलना है। आप मेरी माँ से नहीं मिल सकती, जो कुछ कहना है मुझसे कहिए। क्यों नहीं मिल सकती? वो ऐसी कहाँ की महारानी आ गई जो किसी से मिलेगी भी नहीं। मैं पूछती हूँ, मैं क्यों नहीं मिल सकती तुम्हारी माँ से? क्योंकि हमारी माँ नहीं है, मर चुकी है। क्या हो तुम लोग? जी हाँ, 4 साल हुए, सारी जिम्मेदारी मुझ पर छोड़कर चली गई। अब बच्चों मेरे पास आओ, देखो तो, मैं तुमसे नाराज हो रही थी। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? शांति। देखो शांति, अगर मैंने तुम्हारा दिल दुखाया बेटा तो मुझे माफ कर दो, मुझे अपनी माँ की तरह ही समझो। दीदी, इन्हें देखो, ये हमारी माँ की तरह नहीं लगती है। हाँ दीदी, आइए ऊपर, मैं आपको अपनी माँ की तस्वीर दिखाऊं। आइए ना, आइए ना। रमेश लीला, देखो तुम लोग स्कूल जाओ, वक्त हो गया, मैं इन्हें ऊपर ले जाती हूँ। अच्छा दीदी। आइए। ये है हमारी माँ। अरे क्या हुआ, क्या हुआ आपको? देखिए, सुनिए तो, अब मैं क्या करूँ? कहाँ चला गया था तू? क्यों, यहाँ कोई आई थी, मैं उन्हें ऊपर ले गई तो अचानक वहाँ बेहोश हो गई। क्या? आ मेरे साथ। वो ये है। कौन है सुंदर? दीदी तुम इन्हें जरा देखते ना, मैं अभी डॉक्टर को ले गया था। आप चलिए डॉक्टर साहब, मैं पिताजी को टेलीफोन करके आता हूँ। होश में आने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन घबराना नहीं। अच्छा,
यही वो तस्वीर है जो इन्होंने देखी थी? जी हाँ। इसे कहीं अलग रख दो बेटे। उधर रख दो बेटा। सब ठीक है खन्ना साहब, होश आने में अभी कुछ देरी है। इनकी नजर तस्वीर पे फिर ना पड़ जाए, मेरी राय है इन्हें जल्दी घर ले चले। ठीक है डॉक्टर। रो मत बंटू, मत रो, अभी कुछ नहीं हुआ है माँ को, अभी ठीक हो जाएगी। हाँ माया, आंखें खोलो माया, देखो तो। कमला कहाँ है? उसके ससुराल से बुलावा आया था, मैं खुद जाके छोड़ आई हूँ उसे, वो वहां बिल्कुल ठीक है। आइए वैद्य जी आइए, आज सुबह से कमला की तबीयत ठीक नहीं, बार बार कहती है चक्कर आ रहा है, थोड़ी देर पहले तो अचानक गिर ही पड़ी थी, बड़ी चिंता लगी है वैद्य जी, जरा देखिए तो। बेटा सिर दर्द करता है क्या? जेब दिखाओ। सब ठीक है, चिंता की क्या बात है, अब तो आप लोगों को खुश होना चाहिए। लड़कियों को इस उम्र में तो अक्सर ही ये बीमारी होती है, अब नजर उतारिए इनकी। जी मैं कुछ समझी नहीं आप क्या कह रहे हैं। मैं कुछ नहीं कह रहा, नाड़ी कह रही है, बहुत जल्द आपके यहाँ पोता आने वाला है, अब समझी। आप सहम क्यों गई, आपको तो खुश होना चाहिए। पहले खाना खा लो, बाद में बात करेंगे। मैं पूछता हूँ तुम्हारी खोपड़ी में अकल है या नहीं, अब खाना ही तो बाकी रह गया। ऐसा गुस्सा आ रहा है कि, मगर ये हो कैसे सकता, शादी के बाद से तो हमारे लड़के ने लड़की की सूरत भी नहीं देखी। गोपाल तक अगर ये खबर पहुंची तो जानती हो क्या होगा। ये क्या बात हुई, ये किन कर्मों का फल मिल रहा है, पता नहीं भगवान क्यों रूठ गए हमसे। अरे पगली, भगवान क्यों रूठेंगे हमसे, कर्म को क्यों दोष देती हो। हमारा बेटा तो राजकुमार है, उसके लिए कोई दूसरी लड़की नहीं मिलेगी। चलो फौरन तैयारी करो, इस लड़की को इसी वक्त इसके मायके में पटक आए। चलो मुँह क्या देख रही हो। लो माया, थोड़ा सा साबुदाना पी लो, पी लो ना। आइए आइए, बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोग मेरा कहना मानकर आ गए। आइए इधर आओ जी, वहां क्यों खड़ी है? अमीर होंगे तो अपने घर के होंगे, हमें क्या, हमें अपनी इज्जत प्यारी है, इस तरह बदनाम होने से तो मर जाना अच्छा है। धकेल दो इनकी लड़की को इनके घर में, बड़े आदमी बनते हैं, ठोंगी कहीं के। पिताजी। क्या बात है बेटे, उससे क्या पूछते हैं, आप नहीं जानते ऐसे घर में जो होना चाहिए वही हुआ, जैसा बाप वैसी बेटी। बेटी क्या हुआ, क्या हुआ? ये लोग मुझे गलत समझते हैं माँ। नहीं, नहीं, अरे माँ जरा संभालो बच्चों। आओ समधन, वहां क्यों खड़ी हो, इधर आओ। खबरदार आगे बढ़ी तो टांगे तोड़ दूंगा, बस यहीं से लौट चलो, अब यहाँ एक पल भी रहना अपने नाम पर पट्टा लगाना, चलो। समधी साहब, क्या मैं कुछ कह सकता हूँ? हाँ हाँ कहिए, क्या कहेंगे आप, अब किस लायक रह गए हैं आप कुछ कहने के, आपका भंडा तो फूट गया। बिल्ली आंखें बंद करके दूध पीती है और समझती है सारी दुनिया अंधी है, अरे हमें तो झांसा दे दिया, अब और किसे फंसा रहे हैं खन्ना साहब। और देखो ना पाखंडी को, कैसा धन दौलत इज्जत और मान मर्तबा मिला हुआ। बस आप कह चुके या और कुछ बाकी है? और क्या कहना, खुद का घर बार पत्नी बाल बच्चों के होते हुए
उन्हें सरासर धोखा देकर एक रखेल भी रखी हुई है आपने, और उससे बच्चे भी हैं। अगर आप भले आदमी हैं तो पहले मेरे सवालों का सीधा जवाब दीजिए। क्यों जवाब दो? किस लिए जवाब दू? आप होते कौन है जिसने मैं जवाब दू? मेरी दो पत्नियां नहीं, हजार पत्नियां हैं। पता है आपको? मैं पूछता हूं, पता है आपको? समधी साहब, मनुष्य का चोला पाना ही काफी नहीं, कुछ गुण भी चाहिए। मन का पवित्र, बात का सच्चा होना चाहिए, प्रेम, नम्रता, दया, धर्म, ये सब भी चाहिए। हर आदमी जो पैदा होता है उसे चाहिए कि वो अच्छा बनने की कोशिश करे, अच्छा काम करे, अच्छे विचार रखे, आपकी तरह नहीं। बैठे, अगर मैंने कोई बेजा बात कह दी हो तो माफ कर दीजिए मुझे। बैठे यहां, मैंने कहा बैठे यहां। अब बताइए, आप लोग मेरे बारे में क्या जानना चाहते हैं? मेरे और मेरी दूसरी पत्नी के बारे में ना? तो सुनिए, हालांकि ये जरूरी नहीं कि अपनी कहानी मैं आप लोगों को सुनाऊं, कोई जरूरी नहीं, मैं किसी को भी सुनाऊं। जिस भगवान ने मुझे पैदा किया है उसे भी सुनाना मेरे लिए कोई जरूरी नहीं है, लेकिन लेकिन उस देवी के लिए जो वहां खड़ी है, उस लक्ष्मी के लिए जो आज 20 बरस से मुझ पर एक अटल विश्वास रखकर मेरे साथ गृहस्थी चलाती आ रही है, उस धर्म पत्नी को अपनी कहानी सुनाना मेरा कर्तव्य हो जाता है। उस तस्वीर को देखिए, बीमार की कुर्सी में जानते हैं कौन है वो? माया के पिता, मेरे ससुर, वो महापुरुष जिन्होंने मुझे बचपन से पढ़ाया लिखाया, बड़ा किया और फिर इंसान बनाया मुझे। आज से 22 साल पहले जब मेरी शादी नहीं हुई थी। जीवन ज्योत जले, जीवन ज्योत जले, को न जाने कब निकसे दिन और कब रात ढले। जीवन ज्योत जले, जीवन ज्योत जले, तूने बहुत अच्छा गाया बेटा। और दीदी ने क्या कम अच्छा बजाया पिताजी? चल रही, ऐसा क्या अच्छा बजाया? बस तुम दोनों सदा सुखी रहो, इसके सिवा मुझे और क्या चाहिए बेटा। अच्छा दीदी, मैं बैडमिंटन खेलने जाती हूँ। आपको साहब बुला रहे हैं। सर बुला रहे हैं जी। मुझे बुलाया आपने? हाँ बैठो, मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूं, सच सच बताना। जी हाँ पूछिए। क्या बात है हरीश, तुम तो हमेशा हंसते खेलते रहते थे, आजकल इस तरह खोए खोए से क्यों रहते हो? जब बोलो बेटा। रंगून से दीदी की चिट्ठी आई है। अच्छा, उन्होंने लिखा है कि वो चाहती है कि मैं
तुम इसलिए परेशान हो रहे हो? रंगून में तुम्हें मोटर इंजीनियर की नौकरी मिल रही है, ये सुनकर क्या मुझे खुशी नहीं होगी? चिट्ठी का जवाब दिया या नहीं? जी नहीं। वाह, आखिर तुम पर मेरा हक तुम्हारी दीदी से ज्यादा थोड़ी है। जाओ, फौरन तार भेज दो कि तुम अगले जहाज से रवाना हो रहे हो। बाबूजी, आप तो वो देवता हैं जिन्होंने मुझे और मेरी बहन को बचपन से सहारा दिया, हम अनाथों को पाल पोस कर बड़ा किया। तो क्या हुआ, अब तो तुम्हारी बहन बर्मा में अपने पति के साथ बड़ी अच्छी तरह से है, तुम्हें वहां बुला रही है, नौकरी भी अच्छी है, तुम्हें फौरन चला जाना चाहिए। लेकिन एक शर्त है। जी, अगर मैं कुछ कर सकता हूं तो आप हुक्म कीजिए, मैं बड़ी खुशी से करूंगा। कई दिनों से एक विचार उठ रहा है मेरे मन में, तुम अच्छे और होनहार आदमी हो, सोचता हूं अपनी बेटी की शादी तुम्हारे साथ ही कर दूं। उससे शादी कर लो और उसे भी अपने साथ बर्मा ले जाओ, क्या सोच रहे हो? जी, कुछ नहीं। ये सुनकर तुम कितने खुश होगे, मैं जानता था। मिस्टर, ये लड़कियों के खेलने की जगह है, तुम्हें पता नहीं यहाँ मर्दों का आना मना है। अच्छा, तो मैं वापस चला। बड़े चंट हो। क्या बात है शीला, तू खेल ले मेरी जगह। क्या बात है, बोलो ना। तुम पीछे बैठ जाओ, मैं बताता हूँ। कोई देखेगा तो? इधर आ। क्या बात है? थोड़ी देर हुई, तुम्हारे पिताजी ने मुझे अचानक बुला भेजा। फिर उन्होंने कहा, हरीश आओ बैठो। बस यही कहना था? और भी तो पूछो, आगे क्या कहा? तो कहो ना जल्दी। राधा, तुम्हारे पिताजी को कैसे पता चल गया कि हम दोनों एक दूसरे को चाहते हैं? नहीं, उन्हें नहीं पता। अरे हाँ, उन्हें पता है। ये कैसे कह रहे हो? मैंने उनसे कहा कि दीदी की चिट्ठी आई है, मुझे बर्मा जाना पड़ेगा, तो उन्होंने कहा हाँ हाँ शौक से जाओ, लेकिन जाने से पहले मेरी बेटी से शादी कर लो और उसे भी साथ ले जाओ। झूठ। अरे सच, उन्होंने कहा मुझसे। मगर हमारी बात का उन्हें कैसे पता लग गया? कहीं तुम्हारी दीदी ने तो नहीं कह दिया उनसे? मगर दीदी को भी तो नहीं पता ये बात, मैंने तो कभी नहीं बताया उसे। तो फिर पूछती हूँ जाकर। क्यों माया, हरीश से ब्याह करने के लिए तुम राजी हो ना? उन्होंने क्या कहा पिताजी? उसने हाँ कर दी, शादी की बात सुनते ही वो बहुत खुश हो गया। पिताजी। क्या है माया, पगली तो रो क्यों रही है? जब मैं सोचती हूँ कि मुझे आपको छोड़कर जाना पड़ेगा तो मेरा मन रो उठता है पिताजी। ये कोई दुख करने की बात है बेटा? ठीक समय में ब्याह करके पति के घर चले जाने में ही लड़कियों की शोभा है। पिताजी, अब जल्दी से राधा के लिए भी कोई लड़का ढूंढ लीजिए ना। वो तो चिड़िया है, उसे कुछ दिन और हंसने खेलने दे बेटा, पहले बड़ी बहन के ब्याह की शहनाई बजने दे। हरीश बड़ा भाग्यवान है जो उसने तुझे पाया। नहीं पिताजी, भाग्यवान तो मैं हूँ। जब से मैंने उन्हें देखा है मैं उन्हें चाहती आई हूँ। कहो, तुम्हारा शक दूर हो गया? हाँ बिल्कुल दूर हो गया, लेकिन मैं तुमसे एक बात पूछना चाहती हूँ। एक क्यों, दस पूछो ना, जो कुछ भी पूछना है शादी से पहले पूछ लो। अगर मैं अपनी खुशी के लिए तुमसे कुछ करने को कहूँ तो करोगे? जरूर, हुक्म करो। और अगर पिताजी चाहे कि तुम उनकी मर्जी का कोई काम करो तो? जो कुछ भी हो वो करना मेरा कर्तव्य। जो कुछ भी हो? जो कुछ भी। सच? हाँ सच, मैं वचन देता हूँ। हरीश, तो तुम्हें मेरी दीदी से ब्याह करना होगा।
राधा, ये तुम क्या कर रही हो? मेरी और पिताजी की यही इच्छा है हरीश, कि तुम्हारी शादी माया के साथ हो। पर ये कैसे? मुझे उम्मीद है तुम जैसा सज्जन पुरुष दिया हुआ वचन कभी नहीं तोड़ेगा। मगर राधा, तुम अचानक ऐसी बातें क्यों कर रही हो? मेरी समझ में, मैं माया से पूछता हूँ, मैं उसे सारी बातें बता दूंगा। नहीं, तुम्हें मेरी कसम, माया से तुम कुछ मत कहो हरीश, तुम नहीं जानते वो तुम्हें कितना चाहती है। पिताजी ने जो तुमसे शादी की बात की वो माया के लिए ही की। और तुम? दीदी के सुख के लिए मैंने अपने प्रेम का बलिदान कर दिया है। देखो, मैं तुम्हारे पांव पड़ती हूँ, तुमसे भीख मांगती हूँ। मुझे बिल्कुल पता नहीं था कि दीदी भी तुमसे प्रेम करती है। अगर मुझे मालूम होता, मुझे मालूम होता हरीश, मैं तुम्हें बहुत दुख दे रही हूँ, मुझे माफ कर देना हरीश। अगर तुमने माया को स्वीकार न किया, हमारा सारा परिवार बर्बाद हो जाएगा, दीदी का दिल टूट जाएगा और सजाने पिताजी पर क्या बीतेगी। ये सब देखकर मैं जिंदा नहीं रह सकूंगी हरीश। हाँ कहो, भगवान के लिए हाँ कहो, मेरे लिए हाँ कहो, मेरे लिए हाँ कहो। तुम्हारा अपना न सही, लेकिन त्याग मैं भी कर सकता हूँ राधा। अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो मैं माया से शादी कर लूंगा। इस परिवार को सुखी करना मेरा कर्तव्य है। नहीं हरीश, सिर्फ कर्तव्य निभाने के लिए नहीं, तुम्हें माया को सच्चे दिल से प्यार करना होगा। माया को कभी नहीं पता चलना चाहिए कि हम तुम कभी भी आपस में प्रेम करते थे। अगर उसे पता चल गया तो वो बहुत दुखी होगी हरीश, वो मर जाएगी। उसे कभी नहीं मालूम होगा राधा। मुझे वचन दो। मैं वचन देता हूँ, मुझ पर विश्वास रखो। वो औरत है जो इंसानों की ऊंची शान करती है, जरूरत हो तो अपना प्यार भी कुर्बान करती है। अगर संसार में औरत न होती तो इंसानों की ये इज्जत न होती। अगर संसार में औरत न होती तो इंसानों की ये इज्जत न होती। जहां वाले ने दुनिया को रचा के अनोखा दिया है, मगर औरत की हस्ती को बना के खुद अपने नाम को ऊंचा किया है। अगर औरत को वो पैदा न करता, मोहब्बत की कोई कीमत न होती। अगर संसार में औरत न होती तो इंसानों की ये इज्जत न होती। अगर संसार में औरत न होती तो इंसानों की ये इज्जत न होती। माँ, माँ,
मामा मामी को लेकर पिताजी आ गए माँ। आ गए तुम लोग? अरे जरा ठहरो ठहरो, मैं आरती तो ले आऊं। अरे जग्गू कितना बड़ा हो गया है, क्या खाते हो? गुलगुले मामा जी। गुलगुले? जीते रहो। आ। अरे वाह कितनी सुंदर लग रही है, इतनी सी थी जब मैंने देखा था तुझे। दी दी। भाई जीजा जी आपका ये शहर बहुत अच्छा है, मुझे रंगून पसंद आ गया। काम भी तुम्हें बहुत पसंद आएगा हरीश, मोटर इंजीनियर की नौकरी है, 1000 रुपया महीना तनख्वाह, और फिर ये लड़ाई का जमाना है, जल्दी जल्दी तरक्की होगी। हाँ भैया बड़ी अच्छी नौकरी है, कारखाना हमारे 16 नंबर की सड़क से 10 मील दूर है। और बस से तो सिर्फ 20 मिनट का रास्ता है। अब चलो तुम्हारा कमरा ऊपर है, मुँह हाथ धो लो, मैं नाश्ता लेकर आती हूँ। माया तुम भी चलो ना। नहीं दीदी मैं आपके साथ चलूंगी। अरे नहीं नहीं चलो चलो ना। नहीं पिताजी मैं शादी नहीं करूंगी, अगर मैं भी शादी कर लूंगी तो फिर आपकी देखभाल कौन करेगा? ये क्या कह रही है बेटा, अगर मुझे छोड़कर नहीं जाना चाहती तो हम कोई ऐसा लड़का ढूंढ लेंगे जो शादी के बाद भी हमारे साथ ही रहे। सिर्फ इसी वजह से तेरा ये कहना कि तू शादी नहीं करेगी कुछ ठीक नहीं बेटा, मैं तेरे लिए कोई अच्छा सा लड़का देख ही रहा हूँ। पिताजी आप मेरी बात मानेंगे? बोल बेटा क्या बात है? मैं शादी ही नहीं करना चाहती पिताजी, मेरे लिए कोई लड़का ना देखिए। क्यों? क्योंकि मैं अपना दिल किसी को दे चुकी हूँ। ऐसी बात है? अरे तो तूने मुझे पहले क्यों नहीं बता दिया, ये तो बहुत अच्छा हुआ। मेरे लिए इससे ज्यादा खुशी की और क्या बात हो सकती है बेटा कि मैं तेरी शादी उसी से कर दूं जिसे तू चाहती है। दो प्रेमियों को आपस में मिला देना तो पिता का कर्तव्य होता है। कौन है वो, कहाँ रहता है, मुझे बता दे। मैं उन्हें नहीं पा सकती पिताजी। क्यों नहीं? दुनिया में वो जहाँ कहीं भी होगा मैं उसे ले आऊंगा और तेरे साथ उसकी शादी करा दूंगा। बोल बेटा कहाँ है वो? नहीं पिताजी आप मेरी शादी की बात ही भूल जाइए। राधा राधा सुनो क्या कर रही हो? आई क्या है? ग्लोब थिएटर में आज बहुत बढ़िया नाच है, तुम लोग देखना चाहोगे? मेरे पास कुछ टिकट आए हैं। हाँ हाँ जरूर चलेंगे, लाओ लाओ। हरीश तो कारखाने गया है, माया बेचारी घर में बैठे बैठे ऊब गई है, अभी तक उसने शहर भी नहीं देखा, उसे भी ले चलेंगे। मामा मैं भी चलूंगा माँ। हाँ हाँ इसे भी ले जाओ। क्यों तुम नहीं चलोगे? अरे मैं चलूंगा तो फिर घर की देखभाल कौन करेगा, तुम तीनों हो जाओ। माया चलो नाच देखने चले। नहीं दीदी मैं नहीं चलूंगी। अरे हरीश पूछेगा तो कह दूंगी कि मैं लेकर गई थी, और उसके लौटने से पहले तो हम लोग आ जाएंगे। चलो चलो जल्दी तैयार हो जाओ। चलो घोले संग संग डोले कोई भूरा। डिंग डोंग डिंग डोंग डिंग लल्ला ओ कोई दिल को संभाल मेरा दिल चला। डिंग डोंग डिंग डोंग डिंग लल्ला ओ कोई दिल को संभाल मेरा दिल चला। गुन गुन बोले कानों में रस घोले संग संग डोले कोई भूरा। डिंग डोंग डिंग डोंग डिंग लल्ला।
करने आ रहे हैं, जापानी हवाई जहाज हमला करने आ रहे हैं। अपने आप को बचाइए, शेल्टरों में चले जाइए। अपने आप को बचाइए, शेल्टरों में चले जाइए। ब्रॉडकास्टिंग सर्विस रंगून, एक जरूरी खबर सुनिए। हमें अफसोस है कि कल के बमबारी की वजह से रंगून में बहुत से लोग मारे गए। सड़क नंबर 14, 15, 16, 17 और 18 में कोई जिंदा नहीं बचा। खबर फिर से सुनिए, सड़क नंबर 14, 15, 16, 17 और 18 में कोई जिंदा नहीं बचा। सड़क नंबर 16, सॉरी, कोई नहीं बचा। आपका नाम? हरीश चंद्र खन्ना। साथ में कोई और? कोई नहीं, सब बमबारी में मारे गए। कहां जा रहे हैं? इंडिया। माया, 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 माया। रोही नहीं पिताजी, ये दवा पी लीजिए। माया बेटी, तुझ पर ही गिरना था बम, वो मुझ पर क्यों नहीं गिर पड़ा? ऐसा न कहिए पिताजी, ये दवा पी लीजिए ना। राधा, राधा मेरी लाडली, तू भी मुझे छोड़कर चली न जाना। मैं कैसे जाऊंगी, ये पापिन तो अभी तक जिंदा है। हरीश है क्या?
हरीश, हरीश तुम अकेले आए हो, मेरी माया को कहाँ छोड़ा है, मेरी माया को कहाँ छोड़ा है, मेरी माया को कहाँ छोड़ा है, मेरी माया को कहाँ छोड़ा है। हरीश, माया के बाद इस संसार में रहने को जी नहीं चाहता, अब मैं ज्यादा दिन नहीं रहूंगा बेटा। ऐसा न कहिए बाबू जी। लेकिन मरने के बाद भी मुझे शांति नहीं मिलेगी, इस राधा के लिए मेरी आत्मा तड़पती रहेगी, अगर उसकी शादी हो जाती तो मुझे शांति मिल जाती, मगर वो कहती है कि वो शादी नहीं करेगी। तुम जरा उसे समझाओ हरीश, उसे समझाओ, वो किसी से प्रेम करती है और पूछो तो बताती ही नहीं कि वो कौन है। हरीश, मेरा कोई बेटा नहीं है, तुम ही मेरे बेटे हो, तुम ही जाके उससे पूछो वो किसे चाहती है और उससे राधा की शादी करा दो। देखो ये जिम्मेदारी अब तुम्हारी है, जाओ हरीश जाओ, शायद तुम्हें वो बता देगी। कहाँ जा रहे हो? तुम्हारे पिताजी से मैं आंख नहीं मिला सकता राधा, तुम्हारी बहन को रंगून ले जाकर मैंने मार डाला और अब तुम्हें यहां जिंदा मार रहा हूं। दुख के मारे तुम्हारे पिताजी की आत्मा तड़प रही है, मैं यहां से कहीं दूर चला जाना चाहता हूं जहां मुझे ये सब देखना ना पड़े। आखिर ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ। नहीं हरीश, इन सब की जिम्मेदार मैं हूं। नहीं राधा, तुम औरत की जात हो, पिताजी से मन की बात कह नहीं सकी, लेकिन मुझे तो तुम्हारे पिताजी से उस दिन सच बात कह देना चाहिए था। तुम्हारा कहना क्या और मेरा कहना क्या, हम दोनों का ही त्याग तो बेकार हो गया हरीश। क्या क्या जो कुछ मैंने सुना क्या ये सच है राधा, क्या ये सच है? तूने तभी क्यों नहीं बताई थी मुझे ये बात? हे ईश्वर, मैं हूं वो पापी जिसने तुम्हारे प्रेम में बाधा डाली। हरीश, भूल मैंने की है, इसे मुझे ही सुधारना होगा। हाँ कह दो बेटा, हाँ कह दे राधा, माया को तो मौत छीन के ले गई, अब तेरे नाश का कारण मुझे न बनने दे बेटा, हाँ कह दे। जाओ 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 जाओ, मुझे अपने हाथ दो, अपना हाथ दे बेटा, अपना हाथ दे, अपना हाथ दे। अब इस घड़ी से तुम दोनों पति पत्नी हुए, हे भगवान तू साक्षी है। सुखी रहो बेटा, सुखी रहो। तार वाला, किसका तार है? आपकी तार बाबूजी। खोलो तो, किसने भेजा है, क्या बात है? बाबूजी, दीदी का तार है रंगून से, माया जिंदा है बाबूजी। क्या माया जिंदा है? मेरी माया जिंदा है? राधा राधा, राधा!
क्या हुआ बाबूजी, क्या हुआ? मैं राधा को बुलाता हूँ। ना, उसे ना बुलाओ, उसे ना बुलाओ। मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। बेटा हरीश, भगवान न जाने हमारी परीक्षा क्यों ले रहे हैं। राधा की जिंदगी के साथ किस्मत ने खेला है बेटा, किस्मत ने खेला है। अगर उसे मालूम हो गया कि माया जिंदा है तो वो कभी माया के रास्ते में नहीं आएगी, अपनी जान दे देगी। और अगर माया को मालूम हो गया कि तुम्हारा ब्याह राधा से हो चुका है तो वो भी नहीं चाहेगी कि वो राधा के रास्ते में आए। नहीं, मेरी समझ में नहीं आ रहा बाबूजी, अब मैं क्या करूं? मेरी समझ में आ रहा है, बस अब एक ही उपाय है और वो तुम्हारे हाथ में है। राधा को ये कभी भी मालूम न होने पाए कि माया जिंदा है, और माया को कभी पता न चले कि तुमने राधा से ब्याह कर लिया है। लेकिन बाबूजी ये कैसे? अब ये मैं नहीं जानता कि तुम उन दोनों को अलग अलग रख के किस तरह से अपना जीवन बिताओगी, लेकिन हरीश अब तुम्हें यही करना पड़ेगा। मुझे वचन दो कि तुम ऐसा ही करोगे हरीश, मुझे वचन दो ताकि मेरी आत्मा को शांति मिले। हरीश, दोनों मेरे बच्चे हैं, दोनों मेरी दो आंखें हैं। देखना हरीश, कभी इन आंखों में आंसू न छलछलाए। मुझे वचन दो, मुझे वचन दो, मुझे वचन दो। मैं वचन देता हूँ बाबूजी, मैं वचन देता हूँ। क्या हुआ बाबूजी, क्या हुआ बाबूजी? बाबूजी, राधा, 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 क्या हुआ? बाबूजी हमें छोड़ के चले गए। पिताजी, उस महापुरुष को दिया हुआ वचन निभाने के लिए आज 22 साल से मेरे दिल को जो पीड़ा होती रही है वो मैं ही जानता हूं। छोटी बहन को यह ना बता सकना कि बड़ी जिंदा है, और बड़ी से यह भी ना कह सकना कि छोटी मर गई। इस दुविधा में फंसकर मुझे जो कुछ सहना पड़ा है शायद भगवान भी उसे नहीं सह सकता। जब कभी माया पूछती थी कहां है मेरी बहन, कहां है मेरी बहन, तो दिल रो उठता था कि अब मैं उसे क्या जवाब दूं। कई बार जी में आया कि कह दूं सारी बातें, पर हिम्मत नहीं हुई कभी। संदीप साहब, आपने मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया जो मेरी बेटी को घसीट कर यहां लाए और मेरे पैरों पर पटक दिया। अगर आप ऐसा नहीं करते तो इस दिल की घुटन को बाहर निकलने का कभी मौका नहीं मिलता। मैं आपका बहुत 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 आभारी। माया, इधर आओ। क्या मैंने तुम्हारे साथ विश्वासघात किया? नहीं। क्या राधा से शादी करके मैंने कोई पाप किया? नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं कहूंगी। तुम्हारे साथ मेरा ये सुखी संसार, मेरी ये गृहस्थी, ये सब उसी का दिया हुआ दान तो है। कहाँ जा रही दीदी? अब मैं यहाँ रहकर क्या करूंगी? बेचारे बिना माँ के बच्चे वहाँ अकेले पड़े हैं। नहीं दीदी, तुम उन सब बच्चों को यहीं ले आओ, साथ जग्गू को भी लेती जाओ। जरा ठहरो माँ। अब सिर्फ आपके दिल में एक छोटी सी शंका बाकी रह गई है ना, आइए मैं उसका निवारण कर दूं। आइए ना, आइए। ये लीजिए। पिताजी मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपकी आज्ञा को तोड़ा है। कमला निर्दोष है।
खन्ना साहब, आप लाखों में एक हैं। माफ कीजिए, हम लोगों ने आपको गलत समझा था। समझी साहब, अब तो मुझे आपके सामने खड़े होते हुए भी शर्म आती, मुझे माफ कर दीजिए। आप क्या कर रहे हैं, आपका इसमें कोई दोष नहीं, ऐसा तो दुनिया में होता ही है। क्या स्टेशन मास्टर साहब, आपकी क्या राय? तीन इंजन लाइन पर तैयार खड़े हुए हैं, बस डिब्बों को जोड़ना बाकी है, हुक्म हो तो जोड़ दिए जाए। ठीक है, अगर आप दोनों को मंजूर है तो। प्रिंसिपल साहब, खन्ना साहब ने हरी झंडी दिखा दी, अब शुभ काम में देर नहीं होनी चाहिए। Share and subscribe to TV Next Bollywood.